सेशन में हम के एल पी टेस्ट नंबर सेवन जो जिसमें फिजिक्स में सॉलिड्स एंड फ्लू वाला पार्ट था वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे दिस इज इंपॉर्टेंट सेम मटीरियल का मतलब होगा इनका यंग्स मॉडलर्स जो होगा वो दोनों का सेम होगा सेम मटेरियल मतलब यंग्स मॉडलर्स जो होगा वो सेम होगा दोनों के लिए हैव लेंग्स इन द रेशियो ऑफ वन इज टू टू सो लेंथ्स आर इन द रेशियो ऑफ वन इज टू टू मीनिंग एल वन डिवाइडेड बाय एल टू जो है दैट इज इक्वल बाय टू एंड दे रेडी आर इन द रेशियो ऑफ वन इज टू टू सो आर वन आर टू इज इक्वल टू वन बाई टू वन बाई रूट टू यहां से हमें एरियाज का रेशियो मिल जाएगा ओके विल इंक्रीज इन देंथ विल बी इन द रेशियो ऑफ सो स्ट्रेस रिलेशनशिप से हमें सिंपली मिल जाएगा तो पहले यहां से एरिया निकालते हैं एरिया का रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा अब एरिया हमें पता है एरिया इज इक्वल पाई आर स एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क मीन्स ए वन डिवाइड बाई ए टू इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू स्कवायर आर वन डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूं आर वन बाई आर टू होल स्क्वायर अब आर वन बाय टू यहां पर वन बाय टू है वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा लेकिन रूट टू का स्क्वायर जो है वो टू बन जाएगा सो ए वन डिवाइडेड बाई ए टू जो है Okay, so that is one is to two. So ultimately, what do we have is uh, L one by L two is one by two, or A one by A two, have is one by two. Hi hai. Okay, wo bhi one by two. Hi hai. If they are stretched by applying the same, increase in their length is. so stress-strain stress, uh, uh, stress relationship which we F divided by A is stress is equal to Y times strain delta L divided by L. डेल्टा एल डिवाइडेड बाय सो डेल्टा एल हमें चाहिए डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल एल को ऊपर लेते हैं और नीचे ए डिवाइडेड बाय वाई वाई को यहां नीचे लाते हैं एफ दोनों केसेस में सेम है इक्वल फोर्सेस दोनों केसेस में सेम वाई मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस भी दोनों केसेस में सेम है इसका मतलब हुआ डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाय ए एफ और वाई तो कॉन्स्टेंट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए डेल्टा एज एल इज प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई सो देख लें लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है तो इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ डेल्टा एल वन डिवाइडेड बाई डेल्टा एल टू अब इनका रेशियो डेल्टा एल वन डिवाइडेड बाई डेल्टा एल टू प्रोपोर्शनिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट होगी एल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो सीक्वेंस रहेगा एल वन डिवाइडेड बाई एल टू इन टू एरिया के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है तो वो उल्टा हो जाएगा ए टू डिवाइडेड बाई ए वन ओके ए टू डिड बाई ए वन सो एल वन बाई एल टू हमें पता है वन बाई टू के बराबर है वो तो गिवन है वन बाई टू

Okay, so let me first erase this. Question number two: A wire can sustain the weight of twenty kg uh, before breaking. So, maximum weight it can uh, withstand is twenty kg before breaking. If the wire is cut into two equal parts, okay. If the wire is cut into two equal parts, uh, each part can sustain a weight of. Each part can sustain a weight of. Okay. So uh Hamari Pass again stress strain relationship hain, F divided by A is equal to Y times delta L divided by L. Delta L divided by L. Uh, so this means F is equal to Y into A into delta L divided by L. Delta L divided by L. So Y to constant. वाई तो सेम वायर के आप दो टुकड़े कर रहे हैं तो मटेरियल तो सेम ही रहा वाई सेम रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके आप दो हिस्से कर रहे हैं तो जो, जो एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वही दूसरे, दूसरे का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बिकॉज बोथ ऑफ देसिकली बिलोंग टू द सेम वाई बोथ ऑफ देम बेसिकली बिलोंग टू द सेम वाई डेल्टा एल इज मैक्सिम जहां पर ब्रेक हो जाएगा तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल फ इज इनवर्सिव प्रोपोर्सन अब इस केस में क्या हुआ है आपने वायर को जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया दैट मीन लेंथ जो वो हाफ हो गई है लेंथ अगर हाफ होगी तो फोर्स जो होगा वो, हो so, हो वो डबल हो जाएगा सो मैक्सीम फोर्स जो है विथ स्टैंड अब कर पाएगा दैट विल बी डबल्ड फोर्स जो होगा वो डबल हो जाएगा तो जितना ये वेट अभी तक विद स्टैंड कर पा रहा था अब उसका डबल वेट जो है वो विद स्टैंड कर पाएगा सो मैक्सिमम वेट या मैक्सिमम मास जो ये अभी विदस्टैंड कर पाएगाजी अब ये विदस्टैंड कर पाएगा ओके 40 के जी ओके देन लेट्स मूव ऑन टू दी के जी बाय ऑप्शन नंबर थ्री लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन थ्री ज स्टफनवायर ऑफ लेंथ एल एरिया एंड यंग्रिंग एज ए स्प्रिंग क्वेश्चन हमने जो सनाप से डिस्कशन हुआ था इसी टेस्ट के लिए वहां पर भी हमने डिस्कस किए थे द इक्वल स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज द इक्वल स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज ओके अगेन फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया स्ट्रेस

बाकी के जो है उसके बदले में ये रहा वाई ए डिवाइडेड बाई एल तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट जो वायर के केस में है दैट इज वाई ए डिवाइडेड बाई एल वाई ए डिवाइडेड बाई एल वाई ए डिवाइडेड बाई एल ऑप्शन नंबर टू ओके ऑप्शन नंबर टू सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फोर फॉर सॉलिड विच इज कंप्लीटली इमर्सड डेंटर ऑफ बायसी ऑलवेज कोस ऑफ द सॉलिड ओके पहले यह पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ बॉनसी कहां पर होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास वो तो हमें पहले ही पता है कि कहां पर है सो आई टेक ए फ्यू सिचुएशन हियर सपोज यहां पर मेरे पास कोई बॉडी है विच इज इमर्स इन सम लिक्विड पार्शली इमर्सड इन लिक्विड एंड फ्लोटिंग अब इसमें नोट कर लें इसमें पानी जो डिस्प्लेस हुआ है वाटर जो डिस या जो भी लिक्विड है जो डिस्प्लेस हुआ है वो इतना डिस्प्लेस हुआ है जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है ओके जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, तो है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बी डिस्प्लेसड लिक्विड जो यहां पर था ओके जो यहां पर था उसका जो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी था जो ऑब्वियसली उसके सेंटर पे होगा रेगुलर शेप अगर है तो सेंटर पे ही होगा तो उसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं वट है वेरी वे गुड ओके दिस इज द वन या दिस इज द वन वी आर टॉकिंग अबाउट सो so, जो डिस है जो डिस फ्लूड है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही सेंट्रो बॉन्सि होता है ओके वही सेंट्रो बोनसी फिलहाल हम लिक्विड लिक्विड तो हम कंसिडर ही कर लेंगे कि उसकी डेंसिटी सेम है थ्रू आउट और फिलहाल बॉडी जो है उसकी भी हम डेंसिटी सेम लेते हैं थ्रू आउट

और बॉक्स जो है जो हमने सॉलिड बॉडी ली है उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां पर उसके सेंटर पे कहीं होगा सो दिस इज सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दिस इज सेंटर ऑफ बी ऑफ़ ग्रेविटी एंड अगर बॉडी की हाइट जो है वो नेग्लेज है इन कंपैरिजन टू ऑफ मास ही है तो यहां पर उतनी से नहीं है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉन्सी ये रहा अब क्वेश्चन हमें क्या कहना है इट कंप्लीटली इमर्स इट कंप्लीटली इमर्सड अब इसको जरा कंप्लीटली इमर्स कर लेते हैं चलिए अब हम कंप्लीटली इमर्सड वाला केस कंसिडर कर लेते हैं कोई बॉडी यहां पर कंप्लीटली इमर्स अगेन मैं रेगुलर शेप्ड बॉक्स ले रहा हूं क्यूबिकल बॉक्स ओके अब जो पानी डिस्प्लेस फ्लू डिस्प्लेस हुआ ये वो इतना सारा है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे होगा यहां पर और जो बॉक्स है हमने रिमेंबर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला बॉक्स कंसिडर किया तो उसकी उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी उसी के सेंटर पे होगा तो यहां पर आप देखें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बॉयसी जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं वो कॉइन कर रहे हैं ये कब होगा ये कब होगा अगर कंप्लीटली इमर्सड है जो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कंप्लीटली इमर्सड है एक बात दूसरी बात अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म उसकी डेंसिटी हुई ओके, उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी हुई तब जाके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉन्सी जो है वो कॉइंसाइड कर रहे हैं अब जरा और थोड़ा सा जनरल केस कंसिडर कर लेते हैं अगर अगर बॉडी जो है वो कंप्लीटली इमरसड तो है कंप्लीटली इमरसड तो है लेकिन यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली बॉडी नहीं है

उसका बॉडी की डेंसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है वो तो फ्लूड की फ्लूड uh, का हमें देखना है ये सारा है ओके okay? ये सारा है अब फ्लूड तो यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला है तो डिस्प्लेसिड फ्लूड का जो सेंटर होगा वहीं पर सेंटर ऑफ बी होगा तो वो सेंटर जो होगा वो यहां पर कहीं है सो दिस इज सेंटर ऑफ बी एंड दिस इज हेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी

कर लेंगे या नहीं कर लेंगे विल एक्चुअली डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी यूनिफॉर्मली या नहीं है अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो क्वैन कर लेंगे सो द मोस्ट अप्रोपरिएट आंसर इज डिपेंड्स ऑन द मास मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फोर So let's move to question number five. The speed at point A1, this is A1 here, uh, with cross-sectional area four uh, millimeter square. What will be the speed at point A2 here, uh, where cross-sectional area is six meter per second square? So, काफी simple application है equation of continuity Okay. काफी सिंपल कंडीशन uh, uh, है यहां पर एक सिचुएशन आपको दी गई है यहां पर दूसरी सिचुएशन आपको दी गई है ये दो है यहां का एरिया आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहां की स्पीड आपको पता है यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है यहां की स्पीड आपको बतानी है कि किसके बराबर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो किसके बराबर होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्या है a1v1 इज इक्वल टू a2v2

सो यहां पर टू इंटू थ्री सो फोर डिवाइडेड बाई थ्री फोर डिवाइडेड बाई थ्री मीटर पर सेकेंड सो यहां पर जो स्पीड होगी वो होगी फोर डिवाइडेड बाई थ्री मीटर पर सेकेंड फोर डिवाइडेड बाई थ्री मीटर पर सेकेंड ओके सो सिंपल अब बस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको पता होनी चाहिए उसके बाद यू आर जस्ट ए फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम इट क्वेश्चन नंबर सिक्स एट इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर अब एट इक्वल ड्रॉप्स जो है दिस एट इक्वल ड्रॉप जो है दैट इज फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटलीस्ट एट ड्रॉप जो है फ्रीक्वेंटली तो इसके रेड ये अगर आपको याद रखेंगे जो आप अभी देखेंगे तो वो काफी बेहतर रहेगा एट इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर विद स्टडी वेलोसिटी ऑफ टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्टडी वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी है इफ द ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप बिग इन साइज then the terminal velocity of the bigger drop is terminal velocity of the bigger drop is now note kar lein ke water drops hai aur air ke through flow kar rahe hain okay air ke through move kar rahe hain to uske liye agar ye koi bhi drop hai chahe small ho ya bigger ho irrespective of that नीचे जो है वो mg force फोर्स है ऊपर जो है विस्कस फोर्स है जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से फोर्स होगा और फिर बाउंड फोर्स है बर्न फोर्स जो है एयर के केस में नेग्लेजिबल होता है बर्न फोर्स आपको याद होना चाहिए बर्न फोर्स जो है वो होता है मास ऑफ द फ्लू वेट ऑफ द फ्लू डिसप्लेस या वी राइट दैट डेंसिटी ऑफ द फ्लूड जो इस केस में एयर है ओके सराउंडिंग मीडियम जो है वो एयर है डेंसिटी ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ओके वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंट एक्सलोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी अब एयर जो आ, ये जो वाटर ड्रॉप है ये तो पूरा इमर्सड है इन एयर तो इट डिस्प्लेसेस इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस एयर अब डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी स्मॉल इसलिए एफ बी जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो ओके अप्रोक्सीमेटली जीरो सो एफ बी को हम भूल जाएंगे एफ बी को हम भूल जाएंगे अच्छा अब अगर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो गई है स्टडी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो गई है दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है दैट मींस एफ मस्ट बी इक्वल टू एम जी मस्ट बी इक्वल टू एम सो एफ इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू एम ओके एफ इज इक्वल टू एम एफ so वी जो है वो किसके बराबर होता है सिक्स पाई एटा आर वी ओके और यहां पर वी के बारे में वी टी में लिखता हूं जो टर्मन वेलोसिटी है मास्रॉप मास ऑफ द ड्रॉप जो लिक्विड ड्रॉप है जो वॉटर ड्रॉप okay? <coughs> वहां पर है मास्यूम इंट डेंसिटी तो वॉल्यूम जो है दैट इज फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब सो वॉल्यूम इंट डेंसिटी वो हम रो से रिप्रेजेंट कर लेंगे ओके आ रिप्रेजेंट दैट बाय रो तो रो क्या है यहां पर रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर वाटर ड्रॉप और uh, सिग्मा था डेंसिटी ऑफ एयर लेकिन वो अब हमें कंसिडर नहीं करना है सो दिस वॉल्यूम इंट डेंसिटी इंटू जी इंटू जी कैंसिल आउट देखें कि क्या क्या होगा पाई विल कैंसल आउट ओके okay? पाई विल कैंसल आउट वेर इज पाई पाई विल कैंसल आउट एक आर जो है वो कैंसिल आउट होगा तो आर स्क्वायर बच जाएगा तो वी टी जो है वीटी जो है वो किसके बराबर बन गया सिक्स और एटा यहां पर बच गए हैं उनको नीचे लेते हैं या यहां पर थोड़ा सा कैंसलेशन कर लें टू इंटू टू टू इंटू थ्री तो थ्री और एटा को नीचे लीजिए वहां टू डिवाइडेड बाई थ्री इंटू थ्री इज नाइन एटा नाइन एटा फिर जाके आर स्क्वायर रोजी स्क्वायर दिस इज टर्मोसिटी ऑफ ऑफ एनी ड्रॉप ओके इस केस में वाटर ड्रॉप मूविंग थ्रू एयर मूविंग थ्रू एयर फॉलिंग थ्रू एयर अब नोट कर ले एटा तो कॉन्स्टेंट है ऑफ एयर ही है चाहे स्मॉलर ड्रॉप है या बिगर ड्रॉप है एयर के थ्रू ही मूव करें तो एटा दोनों केसेज में सेम है डेंसिटी ऑफ वाटर चाहे स्मॉलर ड्रॉप ऑफ वाटर है या बिगर ड्रॉप ऑफ वाटर है डेंसिटी तो डेंसिटी ही रहेगी डेंसिटी ऑफ वाटर वो भी कॉन्स्टेंट है तो जी भी इस केस में सेम है वो तो चाहे बिगर ड्रॉप स्मॉलर ड्रॉप सेम है तो द ऑनली थिंग दैट विल चेंज इज आर रेडियस स्मॉलर ड्रॉप टू बिगर ड्रॉप रेडियस विल इंक्रीज सो वीटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस तो अब अगर हमें पता चल गया कि एट ड्रॉप्स जो हैं, एट ड्रॉप्स मिलके जब एट 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 ड्रॉप्स मिलके जब एक सिंगल ड्रॉप बन जाता है तो रेडियस का क्या हो जाता है देन वी कैन सी कि वेलोसिटी का क्या होगा ओके okay, वेलोसिटी का क्या होगा ओके नाउ रेडियस का होगा क्या रेडियस का होगा क्या आठ ड्रॉप्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं एक ड्रॉप में वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप विल बी सेम एज एट टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इस ये जो मिल रहा है कोयलेस जो हो रहा है उसमें वॉल्यूम जो है दैट इज नॉट चेंज ओके वॉल्यूम जो है दैट इज नॉट चेंज सो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब में लिख रहा हूं कैपिटल आर फॉर रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू एट टाइम वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप फोर बाई थ्री र क्यूब स्मॉल आर इज फॉर रेडियस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप ओके स्मॉल एंड फोर कैंसल स्मॉल रूट ऑफ एट इज टू क्यूब रूट ऑफ एट इज टू तो आर जो है बड़े ड्रॉप का रेडियस जो है दैट इज डबल ड्रॉप अब ये चीज अगर आपको याद रहेगी काफी हेल्पफुल रहेगा आपको इतना टाइम जो है वो बच जाएगा ओके okay, इतना टाइम जो बच जाएगा सिंस आठ ड्रॉप्स वाले क्वेश्चन जो वो काफी कॉमनली पूछे जाते हैं मेरे ख्याल से इस एग्जाम में भी आगे और एक ऐसा क्वेश्चन आएगा शायद जिसमें आठ ड्रॉप्स को मिलाया गया है बिगर ड्रॉप में तो अगर आपको याद रहे कि आठ ड्रॉप्स को मिलाने के बाद रेडियस जो है वो डबल हो जाता है बड़े ड्रॉप का रेडियस इज टूज दैट ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप तो काफी अच्छा रहेगा ओके okay? काफी अच्छा रहेगा नाउ लेट्स कम टू टू दिस वन टर्मिनल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप डिवाइडेड बाई टर्नल विटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज इक्वल डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो सीक्वेंस जो है वो सेम रहेगी रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप जिसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया रेडियस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप जिसको हमने स्मॉलर आर से रिप्रेजेंट किया लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां पर भी स्क्वायर यहां पर भी मैं उस स्क्र को कॉमन लेता हूं okay? मैं उस स्क्र को कॉमन लेता हूं ना दिस थिंग आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इज टू ओके आर डिवाइड बाई स्मॉल आर इज टू टू स्क्वायर इज फोर So this means terminal velocity of the bigger drop is 4 times terminal velocity of the smaller drop. Smaller drop terminal velocity, that is 10 centimeter per second. So this will become 4 into 10 is 40 centimeter per second. Okay, 40 centimeter per second. Uh, which one, which one? 40 centimeter per second is option number 4. Okay, 40 centimeter per second. let's move on to the next one <coughs> what will be the tube length what will be the tube length of mercury column in the barometer tube uh, when atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury and the tube is inclined at an angle of 30 degrees विद डायरेक्शन। इस डायग्राम में थोड़ी सी करेक्शन है ओके, आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से बैरोमेट्रिक ट्यूब है ट्यूब मेंशन है तो ये यहां से क्लोज है यहां से क्लोज है बैरोमेट्रिक ट्यूब है तो मेरे ख्याल से आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज होता है ओके क्लोज होता है अब जाके आ, जब आप इस बैरोमेट्रिक ट्यूब को किसी लिक्विड में मर्करी में नॉट किसी लिक्विड में मर्करी में वर्टिकली इमर्स कर लेंगे लेकिन वैक्यूम क्रिएट करने के बाद ओके वैक्यूम क्रिएट करने के बाद तब जाके मर्करी की हाइट जो इसमें रेज होती है एच दैट इज द 76 सिक्स सेंटीमीटर्स सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्री और ये क्यों होता है ये आपने आई एम श्योर की क्लास में पढ़ा होगा सो so, ये उ, उस चीज को मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर लूंगा अच्छा अब अगर ट्यूब को आपने टिल्ट किया यहां या यहां टिल्ट करने से हाइट जो है वो सेम रहती है वो चेंज नहीं होती है ओके टिल्ट करने से हाइट जो है वो सेम रहती है दिस इज इंपॉर्टेंट टिल्ट करने से हाइट जो है वो सेम रहती है सो so, अगर मैं यहां पर अलग से ही दिखाते हैं यहां पर ये हमारे पास मर्करी ट्रॉफ है और इसमें आपने ट्यूब जो है वो ऐसे दे दिया ट्यूब जो वो ऐसे दे दिया हाइट ऑफ मर्करी जहां तक मर्करी जो है ऊपर जाएगा दैट विल रिमेन सेम ये हाइट जो है दैट विल रिमेन सेम 76 सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स ये सेम रहेगा लेकिन लेंथ अलोंग द ट्यूब जो है वो ऑब्वियसली चेंज हो रहा है यहां पर लेंथ अलोंग द ट्यूब जो है वो ये बन रहा है ये बन रहा है अलकॉल दैट एल अलकॉल दैट एल ओके साथ ट्यूब जो है वो एंगल थीटा बना रहा है थीटा बना रहा है दिस इज बाय थीटा बना वर्टिकल के साथ यहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है मैं उसे कन्वर्ट कर लूंगा यूजुअली फॉर्मूले जो आपने याद रखे होते हो वहां पर वर्टिकल के साथ एंगल दिया हुआ है इसलिए मैंने वर्टिकल के साथ ले लिया तो ये यहां पर ये वाला पार्ट जो है दिस इज एच अब नोट कर लें एच जो है वो एल का वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है और थीटा वर्टिकल के साथ ही है तो वर्टिकल कंपोनेंट विल भी एल थीटा सो so, एच जो है एच जो है दैट इज इक्वल टू एल थीटा दैट इज इक्वल टू एल कॉस थीटा और थीटा यहां के केस में कितना होगा लेट मी यूज फाइव क्योंकि थीटा हम एंगल ऑफ कंट्रैक्ट के लिए यूज करते हैं यूजली एंगल ऑफ कंटैक्ट के लिए So let me use phi, phi L cos phi, okay, L cos phi. Okay, so H is equal to L cos phi.

152 फिफ्टी uh, centimeters. सेंटीमीटर्स so, length along the barometric tube will be 152 centimeters. 152 centimeters सेंटीमीटर्स option फिफ्टी सेंटीमीटर्स इज ऑप्शन टू ओके ऑप्शन टू सो इसमें जस्ट यहां पर एक करेक्शन है कि ट्यूब जो है वो ऊपर वाले साइड से क्लोज होता है अगर क्लोज नहीं है तो, ये, तो दिस विल सिंपली विकेम आई कैपले ट्यूब तो उसके इसमें तो हम इसको कैपलरी ट्यूब कहते हैं लेकिन बैरोमेट्रिक ट्यूब इज मैंशन सो तो इट इज क्लोज ऑन द अदर साइड जैसे टेस्ट ट्यूब होते हैं आपके केमिस्ट्री लैब में, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन ओके एट फॉर अरेंजमेंट शोन इन द फिगर वट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल वट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल ओके So, ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है आई एम श्योर आपने काफी बार इसको देखा होगा सो so, यहां से लेके यहां तक ये वाला पार्ट जो है ये ऑयल वाला पार्ट है यहां तक ये वाला पार्ट ऑयल वाला पार्ट है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं ऑयल वाला पार्ट है और रिमेनिंग जो है वो वाटर वाला पार्ट है तो पॉइंट ए जो है दैट इज इंटरफेस बिटवीन द टू ये इंटरफेस है तो दैट मीन्स पॉइंट ए बिलोंग्स टू ऑयल एज वेल एज वॉटर बिलोंग्स टू ऑयल एज वेल एज वाटर फिर जो भी आपकी जरूरत होगी उसी हिसाब से इसको कंसिडर कर लें पॉइंट बी जो है वो बिल्कुल इसके सीध में है ये पॉइंट पॉइंट बी ओके पॉइंट बी अब ये डिफरेंस जो है बिटवीन द टू हाइट्स यहां से लेके यहां तक रिमेंबर वाटर यहां तक है दिस इज 12.3 मिलीमीटर्स 12.3 मिलीमीटर्स और यहां से लेके बी तक जो है दैट इज 135 मिलीमीटर्स mm, 135 मिलीमीटर्स mm. हमें कहा गया है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है वो किसके बराबर है वो किसके बराबर है वो हमें बताया गया है अच्छा यहां पर प्रेशर जो होगा और यहां से प्रेशर जो होगा दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर पी जीरो हम ए और बी को कंसिडर करते हैं के विल कंसिडर एंड बी पॉइंट ए हियर पॉइंट बी हियर दो बात है पहली बात कि ये सेम लेवल पे है ये सेम लेवल पे है काफी नहीं है काफी नहीं है सेम लेवल पे होना इज नॉट इनफ सेम लेवल पे होना तब सफिशिएंट होता है जब सेम फ्लूड होगा यहां पर दो फ्लूड हैं तो सेम लेवल पे होना सफिशिएंट नहीं है लेकिन बी जो है वह वॉटर में है ए जो है वो इंटरफेस है वाटर और ऑयल सो आप ए को वाटर में भी मान सकते हैं आप ए को ऑयल में भी मान सकते हैं हम वाटर पे मानेंगे तो so, ए और बी सेम लेवल पे है और सेम फ्लू में है वाटर में तो so, वहां पर प्रेशर जो होगा वो सेम होना चाहिए सो पी ए मस्ट बी सेम एज पी बी पी ए मस्ट बी इक्वल टू पीबी ओके पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी ए मस्ट बी इक्वल टू पीबी अब पी ए जो है वो किसके बराबर है दैट इज पी जीरो पर लिखता हूं मैं पी जीरो प्लस रो रो फॉर ऑयल रो ओ मैं लिख रहा हूं ओ इज फॉर ऑयल जी एच एच जो है वो यहां से लेके तक है विच इज 12.3 पॉइंट थ्री प्लस वन ओके तो ओके फिलहाल मैं लिखता हूं एच ओ डेफ ऑफ ऑयल डेफ्त ऑन द ऑयल साइड ये साइड जो है इज इक्वल टू तो पी बी प्रेशर एट बी सरफेस पे प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर है पी जीरो प्लस रो वाटर वहां से है रो वाटर जी एच डेफ्थ जो भी होगी वाटर की उस साइड से तो वाटर है इसलिए एच डब्ल्यू में लिख रहा हूं पी जीरो पी जीरो कैंसल आउट जी एंड जी कैंसल आउट सो रो ओ दैट इज डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एच ओ एच डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एच ओ सो दिस इंप्लाइज रो ओ इज इक्वल टू रो डब्ल्यू अच्छा वैल्यू सबस्टिट्यूट ऑफ कर लेते हैं

और फिर यहां से लेके यहां तक 135.135, थर्टी फाइव सो ट्वेल्व पॉइंट प्लस वन मिलीमीटर ऊपर भी है नीचे भी है इसलिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं है इसलिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं है तो ये आपने वर्कआउट करना है मैंने पहले किया है दिस कम्स आउट टू बी 916 वन पर क्यूबिक मीटर सो दिस इज डेंसिटी ऑफ ऑयल 916 हंड्रेड पर क्यूबिक मीटर ऑप्शन टू Option two, nine hundred sixteen kg per cubic meter. Let's move on to the next one now. Question number eight. Oh no, this is not the next one. The same one. Nine. How much work will be done in increasing the diameter of a soap bubble from two centimeter to five centimeter? Surface tension of. Uh, uh, सरफेस टेंशन ऑफ सोफ सोल्यूशन इज थ्री इंटू टेन टू द पॉवर माइनस ट्वेल्व न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर ओके जैसे हम ग्रेविटी uh, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स uh, में यूज करते हैं वर्क डन इक्वल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओके वर्क डन बा फोर्सेस, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्कडन बाई अपलाइड फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वैसे यहां पर जो भी आप वर्क करते हैं किसी सरफेस का एरिया इंक्रीज करने में ओके okay, किसी सरफेस का एरिया इंक्रीज करने में वो इसमें स्टोर रहता है एज सरफेस एनर्जी ओके एज सरफेस एनर्जी तो वहां पर चेंज इन सरफेस एनर्जी यूज होगा चेंज इन टोटल सरफेस एनर्जी यूज होगा तो वो हम देख लेते हैं अब सो हमारे पास क्या है हमारे पास एक सो so बबल है ये सो so बबल है इसका रेडियस दिया हुआ है टू सेंटीमीटर के बराबर है टू सेंटीमीटर के बराबर है इसका रेडियस आप इंक्रीज कर रहे हैं ओके okay? इसको एक्सपैंड कर रहे हैं इसको एक्सपैंड कर रहे हैं एक्सपैंड कर रहे हैं और इसका रेडियस जो है वो आप फाइव सेंटीमीटर्स बना रहे हैं उसका रेडियस जो है फाइव सेंटीमीटर्स बना रहे हैं वर्क क्या हुआ होगा रिमेंबर <coughs> जब आप सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेंगे यू आर वर्किंग अगेंस्ट द सर्फेस टेंशन ओके यू आर वर्किंग अगेंस्ट द सरफेस एंजर और वो वर्क फिर स्टोर होता इसमें एज सरफेस एनर्जी अब सरफेस एनर्जी के लिए सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसे सिंपली सरफेस एनर्जी कहा जाता है लेकिन दैट इज अ बिट मिसलीडिंग इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेटली मेंशन कर रहा हूं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया वो न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन के बराबर होता है जिसको यूजुअली हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन के बराबर होता है ओके okay? तो टोटल सरफेस एनर्जी क्या होगी टोटल सरफेस एनर्जी और एरिया से मल्टीप्लाई करना है दैट विल बी टी इंटू एरिया ओके टी इंटू एरिया अब जो भी चेंज इन सरफेस एनर्जी होगी वही वर्क के बराबर होगा सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल सरफेस एनर्जी चेंज इन टोटल सरफेस एनर्जी और टोटल सरफेस एनर्जी में क्या चेंज होगा टी टाइम्स ए एफ माइनस ए आई ए एफ माइनस ए आई ओके फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया ये आपने देखना है अब जाके यहां पर आते हैं सो बबल में ओके सो बबल में आते हैं सो so बबल में इंपॉर्टेंट बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और उस बात का यहां पर खास ख्याल रखना है काफी सारे बच्चे जो हैं वहां पर गलती कर बैठेंगे सो so बबल में कितनी सरफेसेस हैं देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ड्रॉप एंड अ बबल ओके अ ड्रॉप एंड अ बबल यू हैव अ ड्रॉप हियर वाटर ड्रॉप इसके अंदर पूरा पानी है सपोज सराउंडिंग में एयर है तो इसकी कितनी सरफेसेस है फ्री सरफेसेस है यहां से एक सरफेस है बस अंदर तो फिर पूरा पानी भरा हुआ है वहां से कोई सरफेस अंदर नहीं है तो एक सरफेस है ड्रॉप में एक सरफेस होती है लेकिन सो बबल जो आपके पास है वहां बाहर वाले साइड से भी सरफेस है अंदर वाले साइड से भी सरफेस है वो तो थिन फिल्म जैसी होती है स्फेरिकल शेल जैसा होता है जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी बार यूज किया होगा स्फेरिकल शेल किया होगा तो इसमें अंदर सरफेस है और बाहर सर इसमें दो सरफेसेस है ओके दो सरफेसेस है विद ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम एरिया क्योंकि सरफेस थिकनेस जो होती है वो काफी स्मॉल होती है वेरी स्मॉल एक्सट्रीमली स्मॉल तो बाहर वाले साइड से एरिया और अंदर वाले साइड से एरिया ज सेम बी सेम तो इनिशियल एरिया जो है यहां पर मैं लिखता हूं इनिशियल एरिया जो है is, अब स्फेर है तो एरिया होता है फोर पाई आर स्क्वायर लेकिन दो है बाहर वाले साइड से एक अंदर वाले साइड से एक तो डबल बन जाएगा सो टू इंटू फोर पाई आर स्क्वायर ओके टू इंटू फोर पाई आर स्क्वा है सो दिस बिकम एट पाई आर इनिशियल स्क्वायर और ए एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा फिर से वहां पर दो सरफेस है बाहर वाले साइड से सरफेस है अंदर वाले साइड से सरफेस है तो डबल होगा टू टाइम्स फोर पाई आर एफ स्क्वायर स्क्वाच इज एट पाई आर एफ स्क्वायर एट पाई आर एफ स्क्वायर सो वट इज चेंज इन एरिया डेल्टा ए ए एफ माइनस ए आई इज इक्वल टू एट पाई तो कॉमन दोनों केसेस में सो एट पाई इन आर एफ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर ओके आर एफ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर चलिए वो आप यहां पर यूज कर लेते हैं सो दिस मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इन टू चेंज इन एरिया चेंज इन एरिया इज एट पाई आर एफ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर अब वैल्यू सबसूट कर लें सरफेस टेंशन आपसे कहा गया है इज थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस टू थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस टू इंटू एट इंटू पाई इज थ्री पॉइंट वन फोर इंटू आर एफ फाइव सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर ओके सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव माइनस टू स्क्वायर इज फोर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए टेन टू द पावर माइनस फोर ये सेंटीमीटर है यहां पर लेकिन स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बन, बन जाएगा तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सेंटीमीटर के लिए टेन टू द पावर माइनस टू लेकिन स्क्वायर से वो बन जाएगा टेन टू दॉर माइनस फोर टेन टू द पावर माइनस फोर तो ये आ रहा है नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू सिंपलीफाई इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू ये मैंने पहले ही वर्कआउट किया हुआ है इफ आई कैन फाइंड इट 3.96 into 10 to the power minus 4. 3.96 into 10 to the power minus 4 joules. 3.96 into 10 to the power minus 4 joules. 3.96 into 10 to the power minus 4 joules. Okay. Let's move on to the next one now. Question number 10. स्टील बॉल ऑफ मास एम फॉल्स इन अस्कस लिक्विड विदर्म ऑफ लॉसिटी वी सो टर्मलॉसिटी फिर से है देन द स्टील बॉल ऑफ मास एट एम सो एट टाइम ऑफ ज्यादा मास है नई बॉल का विल फॉल इन द सेम लिक्विड सेम लिक्विड है दैट मीन कॉफिशन ऑफ विस्कोसिटी सेम रहेगा पॉपेशन ऑफ विस्कॉसिटी चेंज नहीं होगा सेम लिक्विड विद टर्म ऑफिस तो नई टर्म ऑफ लॉसिटी जो है वो हमें बतानी है कि किसके बराबर है सो सिंपल टर्म ऑफ लॉसिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है टू आर स्क रो माइनस सिगमा इंटू जी डिवाइडेड बाय नॉट इन हाँ जी डिवाइडेड बाय नाइन इंटू एट आर नाइन इंटू एट आर अब क्या क्या चीज सेम रह रही है क्या क्या चीज सेम रह रही है रो डेंसिटी ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ द बॉडी स्टील पहले भी है स्टील बाद में भी है स्टील बॉल ऑफ मास एम पहले स्टील बॉल ऑफ मास एम कहां पर है स्टील बॉल ऑफ मास एम देन सेम स्टील बॉल ऑफ मास एट एम ओके स्टील बॉल ऑफ मास एट एम तो स्टील ही है ओके okay? स्टील ही है देन सो रो तो सेम रहा देन सिग्मा देन सिग्मा सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ फ्लूड डेंसिटी ऑफ फ्लूड डेंसिटी ऑफ फ्लूड पहले भी सेम फ्लूड है बाद में भी सेम फ्लूड है पहले स्टील बॉल सेम फ्लूड में दूसरी स्टील बॉल सेम फ्लूड में तो सेम uh, लिक्विड ये कहा गया तो सिग्मा भी सेम है uh, एटा भी सेम है तो ये सेम ये सेम टू तो और नाइन तो यूनिवर्सल कॉन्स्ट्रंट जी भी सेम है दैट वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेड वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेड तो आपने सिंपली क्या देखना है uh, जब आपके पास बॉल थी और मास एम फिर जब आपने बॉल ली ऑफ मास एट एम तो रेडियस का क्या हुआ है ओके रेडियस का क्या हुआ वो आपने देखना है ओके वो आपने देखना है रेडियस का तय हुआ है ये एम अगर मैं लिखूं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी रो वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब सो रो फोर बाई थ्री पाई रो इज डेंसिटी ऑफ स्टील और फिर जाके पाई तो पाई ही है आर इज रेडियस ऑफ दिस स्मॉलर बॉल जिसका मास एम है इसको अगर हम लिखेंगे इस फॉर्म में इसको अगर लिखेंगे इस फॉर्म में तो ये बन जाएगा रो स्टील ही है तो रो तो सेम ही रहेगा रो फोर बाई थ्री पाई अब ये बड़ी बॉल है ज्यादा मास है तो ऑब्वियसली बड़ी बॉल होगी क्योंकि सेम मटेरियल है कैपिटल आर क्यूब ओके कैपिटल आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब अब जाके ये मास और ये मास को रिलेट कर लेते हैं ओके इनको रिलेट कर लेते हैं को रिलेट कर लेते हैं चलिए दिस इज ए टाइम दिस वन ओके दिस इज एट टाइम्स दिस वन सो रो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इज एट टाइम्स ये टाइम्स है ना तो एम के बदले में ये लिखते हैं सो ए टाइम्स रो फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब ओके स्मॉल आर क्यूब कैंसिलेशन देखें कि किस किस का होगा कैंसिलेशन फोर बाई थ्री पाई फोर बाई थ्री पाई रो एंड रो सो आर क्यूब इज इक्वल टू एट टाइम स्मॉल आर क्यूब सो दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू टू इंटू आर टू इंटू आर तो बेसिकली सेम चीज है जो इससे पहले था आठ स्मॉलर ड्रॉप कंबाइन हो रहे हैं बिगर ड्रॉप बनने के लिए एट मास तब एट एम तब मास बन जाएगा जब ये ऐसे ऐसी आठ बॉलेज हो जाएंगे तब जाके मास okay? so, so, होगी तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब करने की नहीं पड़ेगी सो लेट्स मूव हेयर नाउ सो vt टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्कोर सो वी टी टू डिवाइडेड बाई वी मैं इसको वन कह रहा हूं और इसको टू कह रहा हूं ओके okay? इसकी टर्मोलॉसिटी डिवाइडेड बाई वी टी वन यानी कि इसकी टर्मलॉसिटी एम टर्म वाली टर्मलॉसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो आर है तो ऑर्डर सेम रहेगा सो so टू का रेडियस जो हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया डिवाइडेड बाय वन का रेडियस जो हमने स्मॉलर आर से रिप्रेजेंट किया है लेकिन स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी तो स्क्वायर को कॉम लेते हैं अब कैपिटल आर डिडेड बाई स्मॉल आर इज टू हेयर कैपिटल आर डिड बाई स्म आर इज टू सो बन जाएगा टू स्क्वायर इज फोर सो दिस मीन टर्मोलॉसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल जिसका मास 8 टाइम्स एम है इज फोर टाइम्स द टर्म ऑफ द स्मॉल है एंड उसको सिंपली वी से रिप्रेजेंट किया गया है सो इट इज फोर टाइम्स वी फोर टाइम्स वी ऑप्शन टू ओके ऑप्शन टू लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन Okay, so let's move on to the next one. Question number eleven. Just give me a second. Okay, so here. A body floats uh, in completely immersed is completely immersed in a completely immersed condition in water shown in figure, as the whole system is allowed to slide down freely. अलॉन्ग द इंक्लाइंड सर्फेस द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड फोर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड फोर्स इज मैग्निट्यूड ऑफ बयाड फोर्स जो है वो होता है वेट ऑफ द फ्लू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्योंकि फुली इमर्सड है तो वॉल्यूम ऑफ फ्लू डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सेम रहेंगे इन द डेंसिटी ऑफ द फ्लू इंटू जी इंटू जी अब ये जी जो है उसको यहां पर आपने रिप्लेस करना है बाई जी इफेक्टिव क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम है ये तो एक्सेलरेट कर रहा है ना ये जो स्लाइड कर रहा है ये बॉडी जो <coughs> <coughs> ये बॉडी जो स्लाइड कर रही है वो इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है विथ समलोरेशन ऑब्वियसली सो इट इज एक्सेलरेटिंग काइंड ऑफ डाउनवर्ड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में आपको पता होना चाहिए कि जी इफेक्टिव जो है वो कम हो जाता है ओके जी इफेक्टिव जो है वो कम हो जाता है जी इफेक्टिव कम होगा हो हो तो बायोड फोर्स जो है वो भी कम होगा रिमेन्स अनचेंज्ड oh that is here decreases decreases okay so simple uh, information based question let us move on to the next one 12 a capillary glass tube a capillary is open at both ends okay a barometer that is not open at both ends that is only open at one end a capillary glass tube records a rise of 20 centimeter

Uh, height of the liquid in a capillary tube height through which it rises height is equal to t cos theta divided by rho g r rho g r t is surface tension t is surface tension theta is angle of contact okay angle of contact jo fluid or capillary tube ki <coughs> surface depend tha, material depend <coughs> rho is density of the fluid in this case of water g is acceleration due to gravity r is radius तो यहां पर आप फ्लूड को तो चेंज नहीं कर रहे हैं सो टेंशन इज नॉट चेंजिंग सरफेस टेंशन इज नॉट चेंजिंग फ्लूड ग्लास जो है ये कैप्लरी ट्यूब जो है पहले जिस मटेरियल का बना हुआ है बाद में भी उसी मटेरियल का बना हुआ है सिंस मटेरियल के बारे में कुछ नहीं कहा गया सो विल एज्यूम कि सेम मटेरियल रह रहा है और लिक्विड भी सेम है तो थीटा विल रिमेन सेम ओके थीटा विल रिमेन सेम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रो फ्लू सेम है तो रो विल रिमेन सेम जी विल रिमेन सेम द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज आर सो एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ओके एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तो इसका मतलब हुआ एच टू डिड बाई एच वन इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा हो जाएगा टू डिवाइड बाई वन यहां से वन डिवाइडेड बाई टू तो आर वन डिवाइडेड बाई आर टू यहां से उल्टा फिर से लेना है तो वो तो रू टू के बराबर है सो दिस इज इक्वल टू रू टू एच टू डिड बाई एच वन इज इक्वल टू रू टू एच टू डिड बाई एच वन इज इक्वल टू टू सो दिस इंप्लाइज एच टू इज इक्वल टू रूट टू इन टू एच वन अब एच वन दिया हुआ है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर्स है तो दिस बिकम्स ट्वेंटी रूट टू सेंटीमीटर्स सो दूसरे वाले कैपलरी ट्यूब में जो हाइट होगी टू विच दिस वाटर विल अराइज इज 20 रूट टू सेंटीमीटर्स 20 रू टू सेंटीमीटर्स ऑप्शन फोर ओके ऑप्शन फोर चले लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन थर्टीन इन टू फिगर्स ओके ये दो फिगर्स दी गई हैं v1 वन बाई वी टू टी वन बाई टी टू आर वन बाय आर टू इज तो हमें बताना है कि ये रेशियो जो है वो किसके बराबर होंगे और इफेस हैं यहां पर और फेस हैं यहां पर और फेस हैं ऑरफेस की डेफ्त जो है वो एच हाँ के बराबर एच हाँ के बराबर है यहां पर और डेफ्त जो है वो एच हाँ के बराबर है और, और, और की हाइट जो है वो फोर एच के बराबर है जिसको आपने शायद एच हाँ प्राइम से रिप्रेजेंट किया हो अपनी क्लास में शायद यहां पर जो ऑरिफेस दिया हुआ है इसको उल्टा किया जा रहा है इसकी डेफ्थ जो है वो फोर एच हाँ के बराबर है और इसकी हाइट जो है एच के बराबर है जिसको आप एच प्राइम कहते हैं सो so, और H प्राइम जो है वो इंटरचेंज हो रहे हैं ये इंटरचेंज हो रहे हैं इससे आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस केस में रेंज जो है वो सेम रहता है सो मीनिंग आर वन इज इक्वल टू आर टू आर वन इज इक्वल टू आर टू सो आर वन और आर टू जो है वो सेम है दैट मीन उनका रेशियो जो होगा वो वन के बराबर हो सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन लेकिन आपका ऑप्शन एक ऑल भी है ऑल भी है तो आपको यह भी देखने पड़ेंगे यह भी देखने पड़ेंगे चलिए खैर अब देख लेते हैं कि क्या बाकी ऑप्शंस में क्या है बाकी ऑप्शंस में क्या है टाइम जो टाइम ऑफ फ्लाइट है टाइम ऑफ फ्लाइट है अगेन मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपके पास फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ टू आइस एच माइनस एच डिवाइडेड बाई जी या फिर सिंपली अंडर रूट ऑफ 2h प्राइम डिवाइडेड बाय जी काइनेमेटिक्स अगर आपको याद है उसके साथ मिलता है काइनेमेटिक्स से उसके साथ मिलता है यू आर रिलीजिंग इट फ्रॉम ए हाइट ऑफ h प्राइम यू आर थ्रोइंग इट फ्रॉम ए हाइट ऑफ h प्राइम h प्राइम तो टाइम टेकन इज अंडर रूट ऑफ 2h प्राइम डिवाइडेड बाय g टू एच प्राइम डिवाइडेड बाई जी अब यहां पर टू तो कॉन्स्टेंट है जी भी कॉन्स्टेंट है दोनों केसेस में सेम है तो टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एच प्राइम रिमेंबर एच प्राइम इज हाइट ऑफ द ऑरिफेस फ्रॉम द बॉटम हाइट ऑफ द ऑरिफेस फ्रॉम द बॉटम सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एच प्राइम तो टी वन डिवाइडेड बाई टी टू मस्ट बी इक्वल दिस इज वन एंड दिस इज टू तो टी वन डिवाइडेड बाई टी टू इज इक्वल अंडर रूट ऑफ एच प्राइम वन टू अब एच प्राइम वन जो है वन के केस में हाइट ऑफ द इज सो प्राइम वन जो है दैट इज इक्वल प्राइम जो है यहां दूसरे केस में जो हाइट ऑफ द फ्रॉम द बॉटम दैट इज सो एंड आउट अंडर रूट ऑफ फोर इज टू सो टी वन डिवाइडेड बाई टी टू जो है दैट इज टू टी वन डिवाइडेड बाई टी टू जो है दैट इज टू तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है तो so यह भी करेक्ट ऑप्शन है ऑब्वियसली ये भी फिर करेक्ट होना चाहिए तो ऑल ऑफ देम ऑल राइट ओके ऑल ऑफ देम आर राइट तो ये भी आप निकाल सकते हैं ये भी आप निकाल सकते हैं रेंज जो है लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर रेंज जो है वो आपको पता होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट है इनिशियल वेलोसिटी वी वन इंट टाइम ऑफ फ्लाइट जितना भी लगा होगा इनिशियल वेलोसिटी वी टू तो इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जितना भी लगा हुआ होगा तो टी जो है टी यहां पर आपने देखा कि उनका रेशियो क्या है आर जो है वो दोनों के लिए सेम है तो यू मैं लिखता हूं इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई टी आर डिवाइडेड बाई टी सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ लाइट सो यू वन डिवाइडेड बाई यू टू जो इसके वी वन डिवाइडेड बाई वी है वी और वी से रिप्रेजेंट किया है इज इक्वल टी है तो उल्टा लिखेंगे टी टू डिड बाई टी वन टी टू डिड बाई टी अब टी टू डिड बाई टी वन इज वन बाई टू सो दिस इज इक्वल टू वन बाई टू यू वन डिवाइडेड बाई यू टू या इस केस में लिखा है वी वन बाई वी टू इज वन डिवाइडेड बाई टू वन डिवाइडेड बाई टू वही तो है सो ऑल ऑफ देम आर सेम ओके सो सिंपल अगर आपको फॉर्म ले पता है यू कैन डू इट विद इन विद इन मिनट विद इन अट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन फोर्टीन इफ द सर्फेटेंशन ऑफ वॉटर इज जीरो पॉइंट जीरो सिक्स न्यूटन पर मीटर देन द कैपले राइज इन ए ट्यूब ऑफ डायमीटर 1 mm इज सो सरफेस टेंशन दिया हुआ है सरफेस टेंशन दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ एंड दैट मींस रेडियस दिया हुआ है तो so रेडियस जो है दैट इज 1/2 mm 1/2 मिलीमीटर या 1/2 10 टू द पावर -3 मीटर आपको बहना है कि हाइट जो होगी देन कैपिलरी राइज़ इन ट्यूब ओके सो हाइट के लिए फार्मूला h 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर डिवाइडेड बाई रोजी दिया हुआ है पॉइंट जीरो सिक्स टू तो पता ही है रो इज इट मेंशन वाटर है वाटर का रो तो हमें पता है टेन टू द पावर थ्री के जी पर क्यूबिक मीटर या वन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जी तो पता ही है आर भी पता हुआ है by अब थीटा का मसला है थीटा का मसला है अब यहां पर एक साइड से तो वाटर है कैपिलरी किस चीज का बना हुआ है प्लास्टिक का बना हुआ है ग्लास का बना हुआ, का बना हुआ वो नहीं कहा गया है और कहा गया है द दे कैप्लेर नहीं वो नहीं कहा गया है तो वी एज्यूम स्टैंडर्ड जो होता है जो हम लेते हैं स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड ग्लास का ट्यूब बना हुआ है और क्लीन ग्लास सरफेस वाटर का जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो जीरो डिग्रीज के बराबर होता है So we'll take it zero degrees. हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम तो स्टैंडर्ड ही लेंगे स्टैंडर्ड क्या है वाटर विद क्लीन ग्लास सरफेस जो कैपलरी ट्यूब अगर हम इमेजिन कर लेंगे कंसिडर कर लेंगे कि वो ग्लास का बना हुआ है तो वहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो जीरो के बराबर होता है सो so यहां पर अगर एक कैप्ले है बना हुआ है ऑफ ग्लास uh, तो वाटर जो है वो बिल्कुल यहां पर उसका मिनिस्कस जो है वो बिल्कुल सेमी सर्कल बनाता है बिल्कुल सेमी सर्कल बनाता है तो अगर आप वहां उसको टेंजन ड्रॉ कर लेंगे वो ग्लास की सरफेस के अलोंग ही होगा तो वो जीरो uh, डिग्री बन जाएगा सो नाउ कंसिडरिंग दैट कंसिडरिंग दैट एवरीथिंग इज नोन टू अस एवरीथिंग इज नोन सो क्वेश्चन का मकसद सिर्फ देखना है कि आप ये पता है कि नहीं बाकी तो सिंपल फॉर्मूला में सब करना है सो टू इंटू टी जो है वो है थ्री इंटू जी इज टेन इंट आर जो है पावर माइनस थ्री टेन टू दावर माइनस थ्री टेन टू पावर थ्री टेन टू दावर माइनस थ्री विल कैंसल आउट ओके सो टू ऊपर आएगा तो फोर बन जाएगा फोर इंटू सिक्स इज सिक्स फोर इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर दो के बाद जीरो सो जीरो पॉइंट टू फोर नीचे टेन रहा डिवाइडेड बाय टेन बाकी सब कुछ मेरे ख्याल से आ गया हा सब कुछ ऐसा ही सिस्टम है हा सो दिस इज टू जीरो पॉइंट अच्छा इसका यूनिट जो है मीटर है सब कुछ ऐसा SI सिस्टम में आपने लिया सब कुछ ऐसा SI सिस्टम में लिया तो इसका यूनिट भी ऐसा SI में आ गया यानी कि मीटर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें क्योंकि आपके ऑप्शंस में सेंटीमीटर ही है तो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर लेंगे सो दिस इज जीरो पॉइंट टू फोर डिवाइडेड बाई टेन डिवाइडेड बाई जस्ट टेन जस्ट टेन इंटू हंड्रेड तो एक जीरो ये बन जाएगा टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर्स टू पॉइंट फोर टू पॉइंट फोर फोर सेंटीमीटर्स ओके टू पॉइंट फोर फोर सेंटीमीटर्स चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन Okay, so 15 एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप ऑफ वाटर दिस इज इंपोर्टेंट वाटर इज फोर ऑफ अनदर ड्रॉप जो है वो भी वाटर का ही आपने लेना है दूसरा ड्रॉप है क्योंकि uh, अगर कुछ और होता तो वो मैं कुछ मैं नहीं है दैट मीनस मेटीरियल जो है वो सेम रहा है वो सेम रहा है एक्सेस प्रेशर जो है एक्सेस प्रेशर जिसको मैं यहां से सिंपली पी से रिप्रेजेंट कर लूंगा होता है ड्रॉप के केस में होता है टू टी डिड बाई आर बबुल अगर है सो so बबल जैसे वहां फोर टी डिवाइडेड बाय आर है क्योंकि वहां पर दो सर्फे इनर सर्फेस और आउटर सर्फेस होती है सो टू टी डिडेड बाय आर सो वॉटर पहले भी है वॉटर बाद में है तो टी तो सेम है तो पी एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर विच मीन पी वन डिवाइडेड बाई पी टू जो है, कह है कह आपसे कहा जा रहा है यहां पर पहले लिखते हैं पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू आर टू डिड बाई आर वन ओके आर टू डिड बाई आर वन अब पी वन डिवाइड बाई पी टू जो है वो किसके बराबर है वो क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर जिसको हमने वन कहा है इज फोर टाइम पी टू जो इस केस में एक्सेस प्रेशर है तो पी वन डिवाइडेड बाई पी टू जो है वो फोर के बराबर है सो दिस मीन्स आर टू डिवाइडेड बाई आर वन जो है वो फोर के बराबर है ओके okay? वो फोर के बराबर है अब मास हमें बताना है कि आ, कितना है ओके okay? मास ऑफ द देन रेस्पेक्ट टू मास रेशो मास रेशो हमें बताना है कि किसके बराबर है सो एम वन डिवाइडेड बाई एम टू हमें बताना है एम वन डिवाइडेड बाई एम टू पहले मास किसके बराबर है मास इज इक्वल डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब स्फेरिकल ड्रॉप है फोर बाई थ्री पाई क्यूब पहले भी वॉट है बाद में भी वॉट है तो रो इज कॉनेस्टन फोर बाई थ्री पाई कॉनेस्टन सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब सो दिस विल बी आर वन क्यूब डिवाइडेड बाई आर टू क्यूब क्यूब को मैं कॉमन लेता हूं क्यूब है सो एम वन डिवाइड अब आर वन बाई जो है 1 4, क्योंकि R2 R1 4, तो वन बाई फोर वन बाई फोर पावर थ्री सो दिस इंप्लाइज एम वन बाई एम टू इज इक्वल वन बाई फोर क्यूब वन बाई फोर क्यूब फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू फोर इज सिक्सटी फोर दिस इज सिक्सटी फोर एम वन बाय टू जो है दन डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर या वन इज टू सिक्सटी फोर ऑप्शन फोर यहां पर ऑप्शन फोर सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ ए नॉन विस्कस लिक्विड इज फ्लोइंग सो आइडियल फ्लूड है इज फ्लोइंग थ्रू ए फ्रिक्शन लेस डे ये जो पाइप यहां पर है

बर्नौली आपको कहता पी प्लस वन बाई टू रो वी स्क्टेंट यहां पर हाइट जो है वो सेम रह रही है हाइट 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 जस्ट जस्ट रिमेन रिमेन सेम सेम तो इसलिए वाली टर्म जो है वो हम यहां पर ऐड नहीं करें अदरवाइज रो जी एच भी होता है अदरवाइज रो रोजी एच भी होता है लेकिन हाइट जो है वो कॉन्स्टेंट रह रही है वो तीसरी टर्म अलग से कॉन्स्टेंट है तो इन दो का सम जो है कॉन्स्टेंट है सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपको पता है एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी

वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम होगा सो पी टू जो है दैट विल बी लेस देन अगर यहां से प्रेशर है तो पहले पार्ट में प्रेशर जो है वो ज्यादा है और दूसरे पार्ट में प्रेशर जो है वो कम है अब प्रेशर का ग्राफ आपको दिया गया है प्रेशर का ग्राफ आपको दिया गया है तो पहले प्रेशर जो है वो ज्यादा है बाद में कम हो रहा है यहां पर पहले कम दिखाया गया है बाद में ज्यादा दिखाया गया यहां पर पहले ज्यादा है बाद में कम सो so, इस पोर्शन में यहां से लेके यहां तक प्रेशर ज्यादा है फिर ये ड्रॉप हो रहा है और यहां फिर कम बन रहा है वो इस वाले पोर्शन में यहां पर प्रेशर को कॉन्स्टेंट दिखाया गया विच इज नॉट द केस यहां पर प्रेशर इज वेरिंग इन सम क्रेजी वे विच इज नॉट पॉसिबल सो दिस इज द ग्राफ विच इज द मोस्ट अप्रोपरेट वन ओके सो सो सिंपल थेटिकल क्वेश्चन है आपको बस ये दो पता होने चाहिए ये दो पता होने चाहिए सो लेट्स मूव ऑन सेवनटीन मिनिमम हॉरिजेंटल एक्सलोरेशन ऑफ द कंटेनर सो देशर एट पॉइंट ए पॉइंट ए नोट करें इज एट द कॉर्नर हेयर एट द कॉर्नर जिस साइड से ये एक्सलोरेट कर रहा है उसके बिल्कुल वॉल के साथ है दिस इज इंपॉर्टेंट वॉल के साथ है सो दैट द प्रेशर एट ए ऑफ द कंटेनर बिकम्स एटमोस्फिर बॉस्फिर प्रेशर यहां पर एटमोसफिर प्रेशर तब बन जाएगा वेन इट गेट्स एक्सपोज टू एटमोसफेयर okay when this point gets exposed to atmosphere to so, situation kya banni chahiye situation banni chahiye aise oh oh line straight nahi hui so let's redraw it yeah aise banna chahiye this is point a now point a jo wo atmosphere ko expose ho gaya okay so ye surface jo wo aise banni chahiye ऐसे बननी चाहिए और वैसे जब एक्सलरेट कर लेगा तो सरफेस ऐसे हो जाएगी टेरी हो जाएगी ओके okay. कितना टेरी हो जाएगी उतना इंक्लाइन बननी चाहिए कि ए जो है एटमोस्फेयर के साथ एक्सपोज हो जाए तभी जाके पॉइंट ए का प्रेशर जो होगा वो एटमोस्फेर प्रेशर के बराबर बन जाएगा अब यहां पर मसला ये तो थ्री के बराबर है ये टू था अब कितना होगा ओके okay, अब कितना होगा अब जो है उसको मैं एच कहता हूं एच कहता हूं, हूं। अमाउंट ऑफ वाटर जो यहां पर है वही अमाउंट ऑफ वाटर यहां पर भी है तो अमाउंट ऑफ वाटर चेंज नहीं हुआ वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज नहीं होगा जितना वॉल्यूम यहां पर है उतना ही वॉल्यूम यहां पर है। अब यहां पर कितना वॉल्यूम है ये तो ट्रायंगुलर पार्ट बन रहा है ये वाटर है ये ट्रायंगुलर पार्ट बन रहा है सो 1/2 बेस ऑल्टीट्यूड 1/2 बेस ऑल्टीट्यूड 3 h इज इक्वल टू यहां से कितना है ये तो स्क्वायर uh, शेप uh, uh, है सो 3 4 3 थ्री इंटू टू थ्री इंटू टू विड जो भी है वो दोनों साइड से सेम है तो विड्थ अगर आप लेंगे सपोज W वो यहां पर भी उतनी ही है यहां पर भी उतनी ही है विथ W मल्टीप्लाई करने अगर आप रिमेंबर वॉल्यूम हम ले रहे हैं सो दैट इज लेंथ इन टू ब्रेड हाइट काइंड ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड इन हाइट सो यहां पर लेंथ हाइट ये ऐसे विड्थ मैं ले रहा हूं ओके okay? डब्ल्यू यहां से भी वही हो रहेगी वो तो चेंज नहीं होगी सो डब्ल्यू डब्लू इज सेम ऑन बोथ साइड्स डब्ल्यू एंड डब्ल्यू कैंसल आउट थ्री एंड थ्री कैंसल आउट सो एच इज इक्वल टू टू इंट टू इज फोर तो ये एच जो वो है वो फोर है मीटर्स वहां पर यहां पर भी मीटर्स ही रहेगा अब जाके लेट सपोज ये एंगल यहां पर थीटा है ओके okay? ये एंगल यहां पर थीटा है. वो आप निकाल सकते हैं थ्री फोर तो ये ऑब्वियसली फाइव होना चाहिए थ्री फोर फाइव राइट एंगल ट्राइंगल तो दिस थीटा मस्ट बी फिफ्टी थ्री डिग्रीज फिफ्टी थ्री डिग्रीज नहीं भी पता है तो वो डोंट नीड दिस अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ओके सरफेस अपने आप को ऐसे शेप देती है ताकि इफेक्टिव एक्सलोरेशन ग्रेविटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट नॉर्मल डीशन में सरफेस जो होते हैं फ्लैट होती है फ्लैट क्यों एक्सेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके परपेंडिकुलर बन जाएगी अब यहां पर ऐसे बन रही है तो इफेक्टिव एक्सेलोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उसके पर पेंडिकुलर होनी चाहिए सो दिस इज नाइनटी डिग्रीज बेसिकली अब ये इफेक्टिव एक्सेलोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वहां पर बन जाएगी वहां पर दो हैं ओके वहां पर दो एक्सेलोरेशन हैं एक तो g है जो ओरिजिनल g है और दूसरा जो सीडो एक्सलोरेशन आ जाएगा ए इन a इन द बैकवर्ड डायरेक्शन रेफरेंस फ्रेम इज मूविंग फॉरवर्ड विद एक्सलोरेशन ए तो वो वहां पर आएगा तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये बन जाएगा g इफेक्टिव अब जाके अगर ये एंगल थीटा के बराबर है तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स ओके ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये g वाली लाइन वर्टिकल लाइन पर पेंडिकुलर टू इच अदर यह इनक्लाइन सरफेस जी इफेक्ट हमने कहा कि इसको पर पेंडिकुलर होगा तो सेकंड लाइन सेकंडल एंगल बिटवीन टू लाइन एंगल बिटवीन देर नॉर्मल तो यह भी, तो भी थीटा के बराबर है अब यहां से जरा देखें यहां से यहां से टेन ऑफ थीटा जो है वो किसके बराबर है टेन ऑफ थीटा अपोजिट साइडेड बाई एडजस्टेंट साइड पर पेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस थीटा का अपोजिट साइड ये है दैट इज पर जो ए के बराबर है ओके okay. ये साइड जो है वो ए के बराबर है ए डिवाइडेड बाई एडजस्टेंट साइड इज जी सो ए डिवाइडेड बाई जी बाय जी अब यही थीटा तो यहां पर भी है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लें टेन ऑफ थीटा इज पर पेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस पर पेंडिकुलर इज फोर डिवाइड बाई बेस इज थ्री तो फोर डिवाइडेड बाई थ्री फोर डिवाइडेड बाई थ्री सो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू फोर बाई थ्री इंटू जी So, इसमें की बात सिर्फ यह है कि जी इफेक्टिव जो है दैट हैज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो ये री सरफेस हो रही है इट टू बी परपेंडिकुलर टू इट दैट इज द की पॉइंट अगर आपको वो पता है आंसर फोर बाई थ्री जी डू यू एनी ऑप्शन ये ऑप्शन टू फोर बाई थ्री टाइम्स जी ओके फोर बाई थ्री टाइम्स जी सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ A hole is made at the bottom of a tank filled with the water. If the total pressure at the bottom is 4 atmosphere, that's important bit of information. Then, what is the velocity of efflux? Okay, what is the velocity of efflux? This water tank पर, with this orifice, with some velocity, this is the अगेन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अगर ऑरिफेस का एरिया स्मॉल है ऑरिफेस का एरिया स्मॉल है इस कंपैरिजन में अब वो हमें यहां पर लेना पड़ेगा क्योंकि ना ही ऑरिफेस का एरिया मेंशन है ना ही टैंक का एरिया मेंशन है ओके सिंस एरियाज मेंशन नहीं है तो हमें ऑब्वियसली वो इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी जहां पर एरियाज नहीं होंगे तो वो कहां पर है जब ये होती है कि एरिया ऑफ द ऑरिफिस इज स्मॉल इन कंपेरिजन टू एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द कंटेनर तो वहां पर वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स जो है एच इज दिस डेफ्थ ऑफ द ऑरिफिस फ्रॉम द टॉप ओके सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच वी इज इक्वल अंडर रूट ऑफ टू जी एच अब यहां पर ये यह जो पॉइंट है बॉटम पे वहां पर प्रेशर आपको कहा गया फोर एटमोस्फियर है वहां पर प्रेशर जो होगा वो हमें पता है फॉर्मूला इज पी जीरो प्लस जी एच पी इज़ एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फ़ेरिक प्रेशर और ये कहा गया इज फोर एटमोस्फियर दैट मींस फोर टाइम इज पी जीरो इंप्लाइज रो जी एच इज इक्वल फोर माइनस वन इज थ्री पी जीरो इज जस्ट वन एटमोसफियर ओके

वाटर की डेंसिटी टेन टू द पावर थ्री के जी पर क्यूबिक मीटर सो सब कुछ हमने सिस्टम SI में लिया है यहां पर हमने प्रेशर को से एटमोसफेस्टम SI पार्सिकल्स में कन्वर्ट कर दिया रो uh, जो है वो भी हमने एस आई सिस्टम में ले लिया टेन टू द पावर थ्री के जी पर क्यूबिक मीटर जी तो एनी वेज कैंसिल आउट हो गया सो एवरीथिंग इज एन एस आई वेलोसिटी हमें मिलेगी वो भी एस आई सिस्टम में ही होगी यानी कि मीटर पर सेकेंड में ही होगी सो दिस इज अंडर रूट ऑफ थ्री इंटू टू सिक्स टेन टू द पावर थ्री ऊपर जाएगा टू टेन टू दॉर माइनस थ्री बन जाएगा अंडर रूट ऑफ सिक्स टू दॉर टू इज हंड्रेड रूट ऑफ हंड्रेड इज टेन सो टेन रूट सिक्स मीटर पर सेकेंड सो वी इज इक्वल टू टेन रूट सिक्स मीटर पर सेकेंड टेन रूट सिक्स मीटर पर सेकेंड ओके टेन रूट सिक्स मीटर पर सेकेंड सो ऑल यू नीड टू नो इज के यहां पर ये वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है रिमेंबर ये स्पेशल केस है जहां पर हमने ऑरिफेस का एरिया जो है वो स्मॉल लेते हैं ओके okay? ऑरिफेस के एरिया सिंस एरियाज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें मजबूरन वही लेना पड़ेगा नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाइनटीन इन ए क्लोज ट्यूब ऑफ वाटर ए बोट इज इन ए क्लोज ट्यूब दिस मस्ट नॉट बी ट्यूब सो फॉर गेट दिस ए बोट इज फ्लोटिंग विद स्टोन ऑन इट इफ द स्टोन आर नाउ ड्रॉप इन टू वॉटर दैन लेवल ऑफ वाटर इन ट्यूब विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम फर्स्ट इंक्रीज देन कम्स टू ऑरिजिनल लेवल ओके सो हमारे पास कोई वॉटर कंटेनर है वॉटर कंटेनर है ये सपोज दिस बोट इज देर इसके अंदर कोई पत्थर है ये अब एक तो बोट के वेट के से कुछ फ्लू डिस्प्लेस हुआ होगा और फिर जब आपने उसमें पत्थर रखा है तो उसके वजह से कुछ फ्लू डिस्प्लेस हुआ होगा तो यहां पर दो रीजन की वजह से फ्लू डिस्प्लेस हो रहा है एक तो वेट ऑफ द बोट जो खुद बोट का वेट है और दूसरा स्टोन का जो वेट है उसके वजह से जो फ्लू डिस्प्लेस होगा ओके बोट का वेट जो है बोट के वजह से जो फ्लू डिस्प्लेस हो रहा है वो उसके वजह से जो बॉय फोर्स आएगा वो बोट को बैलेंस कर लेगा फिर स्टोन रखने के वजह से जो एडिशनल वाटर डिस्प्लेस होगा वो स्टोन को प्रोवाइड कर लेगा फोर्स तो वो वहां पर एडजस्ट कर लेगा अब जाके आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप स्टोन को ड्रॉप कर लेंगे इंटू वाटर अब बोट तो बोट ही है उसमें तो कुछ नहीं होगा स्टोन जो है वो सिंक हो गई इंटू वाटर अब ये सिचुएशन आपके पास है आपके कहना है कि ये लेवल जो है लेवल ऑफ वाटर जो है वो डिप होगी कि इंक्रीज होगी ये देखना आपने कि सेम रहेगा वो आपने देखना है अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है स्टोन के वजह से यहां पर जब ये फ्लोट कर रहा है बोर्ड के अंदर रह के इसके वजह से कुछ फ्लू डिस्प्लेस हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट के वजह से कुछ लेवल रेज हुआ होगा यहां पर भी स्टोन के वजह से कुछ पानी जो है कुछ फ्लूड जो है वो डिस्प्लेस हुआ होगा तो उसके वजह से भी कुछ लेवल रेज हुआ होगा अगर यहां पर जितना पानी आ, डिस्प्लेस हुआ था स्टोन के वजह से स्टोन के वेट के वजह से बोट तो यहां पर भी वही है यहां पर भी वही है तो उसको छोड़ दें स्टोन के वजह से जो यहां पर फ्लू डिस्प्लेस हुआ था अगर वो ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू हेयर जो यहां पर डिस्प्लेस हुआ है तो यहां की लेवल ज्यादा होगी इसके कंपेरिजन में लेट सपोज यहां पर जो है, वो टेन लीटर्स डिस्प्लेस हुआ था स्टोन के वजह से सिर्फ स्टोन की मैं बात हूं स्टोन के वजह से टेन लीटर ऑब्वियसली बोट के वजह से भी कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा लेकिन स्टोन के वजह से टेन लीटर्स ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है टेन लीटर्स के वजह से कुछ लेवल रेज हुआ होगा अब यहां पर लेट सपोज सिर्फ सेवन लीटर्स डिस्प्लेस हुआ है अब यहां पर तो थ्री एडिशनल लीटर्स डिस्प्लेस हुआ है तो यहां की लेवल जो होगी वो ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में तो अगर यहां वाटर डिस्प्लेस ज्यादा हुआ इन कंपैरिजन टू दिस वन बिकॉज ऑफ द स्टोन ऑनली बिकॉज ऑफ द स्टोन तब लेवल जो होगी वो डिप हो जाएगी तब लेवल जो होगी वो डिप हो जाएगी लेकिन अगर स्टोन यहां ड्रॉप करने की वजह से फिर भी टेन लीटर ही डिस्प्लेस हुआ तो यहां पर भी वही टेन लीटर्स हुआ था यहां पर भी वही टेन लीटर्स हो रहा है तब लेवल जो होगी वो सेम रहेगी टेन लीटर्स के वजह से जितना लेवल अप होगी उतना ही यहां पर भी अब भी टेन लीटर्स के वजह से उतना ही अप होगी तो लेवल जो होगी वो सेम रहेगी लेकिन अगर यहां स्टोन डालने से यहां ज्यादा पानी डिस्प्लेस हो रहा है ट्वेल्व लीटर्स डिस्प्लेस हो रहा है तो ट्वेल्व लीटर्स के वजह से लेवल अप हो रही है यहां पर सिर्फ टेन लीटर्स के वजह से लेवल अप हुई थी तो वहां पर ट्वेल्व लीटर्स ज्यादा है तो उस वजह से लेवल ज्यादा ऊपर जाएगी तो लेवल विल इंक्रीज लेवल विल इंक्रीज सो हम क्या कर लेंगे हम क्या कर लेंगे यहां कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ स्टोन और यहां कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ द स्टोन उनको कंपेयर कर लेंगे अगर यहां का वॉल्यूम डिस्प्लेस से ज्यादा हुआ तो लेवल जो है वो डिप हो गई है अगर यहां का डिस्प्लेस वाटर uh, uh, जो है वो ज्यादा हुआ तो लेवल जो होगी वो इंक्रीज हो गई होगी अगर सेम निकला तो लेवल जो होगी वो सेम रही होगी ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है फर्स्ट इंक्रीजेज एन डिक्रीजेज ओके सो हमें सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज या रिमेन सेम देखना है तो लेट्स कंसिडर द फर्स्ट केस कॉल दिस फर्स्ट केस एंड आल कॉल दिस सेकेंड केस ओके केस वन केस वन अब यहां पर जो स्टोन के वजह से फ्लू डिसप्लेस हो रहा है उसके वजह से जो बाय फोर्स होगा वह स्टोन के वेट के बराबर होगा क्योंकि फ्लोट कर रहा है ओके okay? क्योंकि फ्लोट कर रहा है सो वेट ऑफ स्टोन वेट ऑफ फ्लू डिसप्लेसड फ्लू डिसप्लेसड बिकॉज ऑफ स्टोन इन बोट बिकॉज ऑफ स्टोन इन बोट अब वही तो बायोन फोर्स है वेट ऑफ फ्लू डिस्प्ले वही तो बायोन फोर्स है मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ स्टोन ओके मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन क्योंकि फ्लोट कर रहा है तो बैलेंस हुआ है इक्विलिब्रियम होगा तो वेट ऑफ द फ्लू डिस्प्लेसड जो है दैट इज सिग्मा डेंसिटी ऑफ द फ्लू डेंसिटी ऑफ द फ्लू इंटू वॉल्यूम ऑफ मैं फ्लू इसे कहूंगा ओके okay, इसे कहूंगा इंटू जी इंटू जी इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन इज मास ऑफ द स्टोन ओके मास ऑफ द स्टोन इंटू जी जी एंड जी कैंसल आउट तो वी वन जो है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाई सिग्मा मास ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाई सिग्मा और आई कैन राइट इट एज मास के बदले में मास के बदले में आई कैन राइट डेंसिटी ऑफ स्टोन इंट वॉल्यूम ऑफ स्टोन वी एस में लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय सिग्मा तो पहले वाले केस के लिए क्या इक्वेशन बन रही है पहले वाले केस के लिए क्या इक्वेशन बन रही है वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेसिड या जो भी फ्लूड है वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ फ्लू डिस्प्लेसड इज इक्वल डेंसिटी ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वॉटर या डेंसिटी ऑफ फ्लूड जो भी है इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टोन वॉल्यूम ऑफ स्टोन पहले केस के लिए इक्वेशन बन रही है ओके ये पहले केस के लिए इक्वेशन बन, okay. के बन रही है दूसरे केस के लिए देखते हैं ओके okay? दूसरे केस के लिए देखते हैं केस टू अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ फ्लू डिस्प्लेसड जो है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्टोन क्योंकि फुली है फुली इमर्सड वॉल्यूम ऑफ फ्लू डिस्प्लेसड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन सो वॉल्यूम ऑफ फ्यू डिप्लेसड वी टू मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्टोन सो दिस इंप्लाइज लेट्स कॉल दिस इक्वेशन वन इक्वेशन टू वी टू डिडेड बाई वी वन वॉल्यूम ऑफ फ्लू डिस्प्लेसड इन द सेकेंड केस वो वाला केस जहां पर स्टोन जो है वो अंदर है अपनी के डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लू डिस इन द फर्स्ट केस यहां पर स्टोन जो है वो बोर्ड के अंदर है रिमेंबर दोनों केसेस में जो वॉल्यूम डिस्प्लेसड हम ले रहे हैं वो सिर्फ स्टोन के वजह से ले रहे हैं बोर्ड के वजह से जो यहां पर होगा वही यहां पर भी होगा क्योंकि बोर्ड तो सेम है बोर्ड तो, मैं तो कोई चेंज नहीं आ गई टू डिड बाई वी वन इज इक्वल टू वी एस वी एस विल कैंसल आउट ओके चले लिखते हैं वी एस डिड बाई रो बाई सिग्मा इंटू वी एस वी एस वी एस कैंसल आउट सिग्मा डिवाइडेड बाई रो V2 डिवाइडेड बाय V1 वन इज इक्वल सिग्मा डिवाइडेड बाय रो अब फ्लूड की डेंसिटी ज्यादा है कि स्टोन की डेंसिटी ज्यादा है ऑब्वियसली स्टोन की डेंसिटी ज्यादा अदरवाइज सिंह कहां से होता स्टोन की डेंसिटी ज्यादा है तो डिनोमिनेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर ज्यादा तो यहां से भी डिनोमिनेटर ही ज्यादा होना चाहिए तो v1 वन इज ग्रेटर देन वी टू तो जो जितना पानी पहले डिस्प्लेस हुआ था उससे कम पानी यहां पर डिस्प्लेस हो रहा है यहां पर ज्यादा पानी डिस्प्लेस हो रहा है यहां पर कम पानी डिस्प्लेस हो रहा है तो वही वाला केस बन गया यहां पर अगर टेन लीटर्स डिस्प्लेस हुआ है यहां से टेन से कम डिस्प्लेस हो रहा है सेवन लीटर्स डिस्प्लेस हो रहा है यहां पर लेवल जो अप होगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ टेन लीटर्स यहां पर जो लेवल अप होगी दैट विल बी ऑनली बिकॉज ऑफ सेवन लीटर्स तो यहां लेवल अप जो होगी वो कम होगी इसके कंपेरिजन में सो लेवल जो है दैट विल डिक्रीज इट विल गो डाउन गो डाउन सो लेवल ऑफ वॉटर डिक्रीज इज ऑप्शन टू ओके ऑप्शन टू थोड़ा लंबा है बस uh, लेकिन आई एम श्योर दॉब्लम है आपने की होगी आई एम श्योर क्लास रूम में की होगी ओके आई एम श्योर क्लास रूम में की होगी ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन ट्वेंटी ओके सो लेटमी रीड आउट Which one of the following statements is correct when a fluid passes through a narrow part part of a non uniform pipe okay narrow part of a non uniform pipe koi pipe aapke paas hai suppose like this then goes this way so it's a non uniform yahan par cross section zyada hai yahan par cross section jo hai wo kam hai तो what happens to it? Uh, equation of continuity से हमें पता है कि यहां पर वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी यहां पर वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी थर्म यूज करके हमें पता है जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम होगा जहां पर वेलोसिटी कम होगी वहां पर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा सो व्हेन इट एंटर्स वेयर थ्रू अ नैरो पार्ट नैरो पार्ट के थ्रू जाने के टाइम वेलोसिटी विल इंक्रीज प्रेशर विल डिक्रीज ओके वेलॉस विल इंक्रीज प्रेशर विल डिक्रीज Uh, its velocity and pressure both increase. No, its velocity and pressure both decrease. No, its velocity decreases, but pressure increases. No, its velocity increases, but its pressure decreases. So, option four. Okay, option four. Velocity increases, pressure decreases. Uh, velocity increase, pressure decreases. Fine. So, let's move on to the next one now. Uh, a heavy uniform rod is hanging from a fixed support. इट इज स्ट्रेच बाई इट ओन वेट द डायमीटर ऑफ द रॉड इज यूनिफॉर्म एवरी पर हमारे पास कोई सीलिंग है, ये एक जो है वो हैंग कर रही है ओके okay. रॉड जो है वो हैंग कर रही है अब इसका वेट जो है उसके वजह से इसमें कुछ स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस की वजह से कुछ स्ट्रेन आ जाएगा ये इलांगेट हो जाएगा इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी राइडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा थिकनेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी अब यहां पर सिंसे मैसू रॉड है तो टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स विल बी डिफरेंट सो ऑन द रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगा रेस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट होगा तो स्ट्रेस भी डिफरेंट होगा स्ट्रेस डिफरेंट होगा तो स्ट्रेन भी डिफरेंट होगा चेंज इन लेंथ डिफरेंट होगी चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट होगा तो वट आल डू इज मैं यहां पर ज्यूम कर लूंगा एक पॉइंट यहां पर एक पॉइंट ज्यूम कर लेते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द बॉटम एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द बॉटम तो इस पार्ट का मास जो होगा ओके, okay? मास जो होगा टोटल so मास पर मल्टीप्लाई कर ले तो आपको इसका मास मिल जाएगा अब वहां पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होगा एम बाय इंटू एक्स इंटू जी ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो टेंशन यहां पर होगा टेंशन so, हम देखना है चाहते हैं कि एट ए डिस्टेंस एक्स किसके बराबर होगा अब ये स्टेशनरी है, है, है तो टी जो है मस्ट बी टोटल मास ऑफ द रॉड एल टोटल जी तो कॉन्स्टेंट एक्स तो पे डिपेंड कर रहा है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सो बॉटम पे बॉटम पे टी इज इक्वल टू जीरो और टॉप पे टी इज मैक्सिमम टी इज मैक्सिमम क्योंकि वहां पर एक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा तो वहां पर टेंशन जो होगा वो भी मैक्सिमम होगा ओके okay, नाउ यहां पर टेंशन जीरो है तो वहां पर स्ट्रेस भी जीरो होगा यहां पर टेंशन मैक्सिमम है तो वहां पर स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा सो स्ट्रेस इंक्रीजेस एज वी मूव अप ओके स्ट्रेस इंक्रीजेस एज वी मूव अप स्ट्रेस इंक्रीज करने से स्ट्रेन भी इंक्रीज हो जाएगा okay strain, uh, stress is directly proportional to strain so strain to be increase as we move up

Uh, वो यहां पर थिकनेस uh, uh, जो है वो यहां पर कम होगी यहां पर ज्यादा होगी सो एज वी मूव अप एज वी मूव अप, व्हाट जाती है तो नहीं है लार्जेस्ट एट द टॉप व्हाट इज लार्जेस्ट एट द टॉप हमें क्या कहना है फिक्स इट्स स्ट्रेच बाय द वे द डायमीटर ऑफ द रॉड डायमीटर के बारे में हमें बताना है अगर यहां पर सबसे थिन बन गई है थिन बन गई है क्योंकि यहां पर ज्यादा इलांगेशन हुई है तो सबसे थिन वहां पर बन गई तो मिनिमम डायमीटर यहां पर होगा मैक्सिमम डायमीटर यहां पर होगा सो एज एज वी मूव मूव अप अप डायमीटर डायमीटर जो है दैट uh, नहीं लार्जेस्ट एट द टॉप स्मॉलेस्ट एट द टॉप ग्रेजुअली इंक्रीज डाउन स्मॉलेस्ट दैन इंक्रीज इज डाउनवर्ड सो ऑप्शन थ्री ओके ऑप्शन थ्री लेट्स मूव ऑन ट्वेंटी टू थ्री ब्लॉक्स ओके तीन ब्लॉक्स यहां पर दिखाए गए हैं इच ऑफ मास कनेक्टेड विद ए वायर विद वायर्स डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड यंग्स मॉडुलस वाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दोनों वायर्स का सेम यंग्स मॉडुलस भी दोनों वायर्स का सेम है नेग्लेक्टिव फ्रिक्शन द स्ट्रेन डेवलप्ड इन वायर डब्ल्यू टू इज सो पहली बात तो यहां पर कोई सरफेस होनी चाहिए ये ऐसे पुली ब्लॉक सिस्टम बन जाएगा डब्ल्यू वन यहां पर डब्ल्यू टू यहां पर एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है हमें बताना है तो स्ट्रेस हम निकालेंगे पहले स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना होगा स्ट्रेस निकालने के लिए पहले वहां पर टेंशन निकालना होगा ओके सो न्यूटन लॉज में अगर आपको याद हो दिस विल बी द लाइन ऑफ मोशन यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी Uh, बाकी सिर्फ ये एक्सटर्नल फोर्स होगा तो एक्सलोशन ऑफ द सिस्टम एक्सलोरेशन ऑफ द सिस्टम इज एक्सटर्नल फोर्स एम जी अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन ओके अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन यहां पर भी एम जी होगा लेकिन अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन नहीं होगा ना ही उसका कोई कंपोनेंट होगा अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन यहां पर भी एम जी होगा लेकिन उसका कोई कंपोनेंट अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन नहीं होगा सेम गोज विद नॉर्मल सो अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन सिर्फ ये एक्सटर्नल फोर्स है एम जी सो टोटल एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास टोटल मास प्लस एम प्लस थ्री एम सो थ्री एम एम एन एम गोज टू ए इज इक्वल जी डिवाइडेड बाई थ्री जो सिस्टम की है वो जी बाई थ्री है जो वहां पर आपने की है अब जरा, uh, इस ब्लॉग को कंसिडर कर लें यहां पर टेंशन टी अब यह जो है वो डब्ल्यू टू वायर का टेंशन किया उसके अंदर जो है फोर्स डेवलप हुआ होगा ना ब्लॉक एम के लिए एम जी माइनस टी इज इक्वल एम ए एम जी माइनस टी इज नेट फोर्स इज इक्वल मास इन एक्सेलरेशन तो वो जरा लिखते हैं हम सो हैंगिंग ब्लॉक के लिए हैंगिंग ब्लॉक के लिए एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए और टी इज इक्वल टू एम जी टी uh, यहां तो प्लस बन जाएगा एम ए यहां तो माइनस बन जाएगा माइनस एम ए ए के बदले में लिखते हैं जी डिवाइडेड बाई थ्री जी डिवाइड बाई थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री माइनस बन जाएगा सो एम जी दिस इज टेंशन इन द वायर डब्ल्यू टू वायर सो रेस्टोरिंग फोर डब्ल्यू टू में डब्ल्यू फोर है दैट इज टू थर्ड ऑफ एम जी टू थर्ड ऑफ एम जी सो वट विल बी स्ट्रेस देयर स्ट्रेस जो होगा स्ट्रेस एन डब्ल्यू टू इज इक्वल फोर डिवाइडेड बाई एरिया फोर्स आपको मिल गया 2 एम जी डिवाइडेड बाई थ्री टू एम जी डिवाइडेड बाई थ्री और नीचे एरिया एरिया तो आपसे कहा गया है कि ए के बराबर है दोनों वायर्स का सो दिस इज स्ट्रेस डेवलप्ड दिस इज स्ट्रेस अब हमें पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स स्मॉडल इनटू स्ट्रेन ओके यंग्स स्मोडल इन स्ट्रेन ही हमें निकालना है रिमेंबर स्ट्रेन ही हमें निकालना है. तो स्ट्रेस

2mg divided by 3ay, 2mg divided by 3ay. Fine. So uh, let's move on to the next one now. When a ball is released from rest in a very long column of viscous liquid, uh, its downward acceleration is a just after release, then its acceleration when it has acquired two -third of the maximum velocity. मैक्सिमम वेलोसिटी इन कॉलम जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है पहली बात तो ये कहा गया है कि वेरी लॉन्ग कॉलम काफी लंबा है यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी तक तो पहुंच जाएगा और टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच जाएगा उसके बाद तो वो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहती है सो टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ओके टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी देन देन इट्स एक्सेलरेशन व्हेन इट हैज हैजू थर्ड ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज सो हमारे पास ये कोई कॉलम है ओके okay, ये कोई कॉलम है इसमें कुछ फ्लूड है यहां पर आपने बॉल को रिलीज किया है ओके यहां पर आपने बॉल को रिलीज किया है बायो फोर्स हम नेग्लेक्ट कर लेंगे की बॉल जो है वो काफी स्मॉल है ओके सो बायो फोर्स जो है वो नेग्लेजल है एनीवेज हमें डेंसिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सो वी हैव टू दैट सो यहां पर आपने रिलीज किया इसको ओके यहां पर आपने रिलीज किया इसको अभी तो इसकी वी जीरो है क्योंकि हमें पता है कि विस्कस फोर्स जो है विस्कस फोर्स जो होता है दैट इज सिक्स पाई एटा आर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्पीड ऑफ द पार्टिकल अभी तो स्पीड है नहीं जीरो है तो अभी कोई विस्कस फोर्स नहीं है अभी कोई विस्कस फोर्स नहीं है तो यहां पर खाली एम जी होगा यहां पर खाली एम जी है मी कॉल दिस सिचुएशन ए यहां पर आल कॉल दिस पॉइंट ए पॉइंट अब फिर जाके आ, यहां पर कहीं लेट सपोज इट वेनिट कॉल द सी क्योंकि बीच में मुझे बी बी चाहिए द सी यहां पर यहां पर एम जी अब विस्कस फोर्स कुछ ना कुछ होगा क्योंकि स्पीड कुछ ना कुछ गेन हुई है लेट सपोज यहां पर आके इसकी वेलोसिटी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर बन जाती है तो वीसी इज इक्वल टू वी टी टर्म ऑफ वी सी इज इक्वल टू वी टी वेलोसिटी बनने का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है वेलोसिटी है, तो दैट वुड मीन एक्सेलरेशन जो है वो सपोज समवेयर हियर पॉइंट बी जब ये यह यहां पर है तो पहली बात पहले तो कुछ फोर्सेस होंगे एम जी होगा और विस्कस फोर्स होगा विस्कस फोर्स एट बी एफ बी हम लिखेंगे बाद में यहां पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि देन इट्स एक्सलोरेशन वेन इट हैज टू थर्ड ऑफ मैक्सिमम वी तो यहां पर velocity जो है तो ये हमें कहा गया है यहां पर एक्सलोरेशन किसके बराबर है दैट इज वट वी हैव टू फाइंड आउट ओके दैट इज वट वी हैव टू फाइंड आउट इनिशियली दोली फोर्स एक्टिंग इज एम जी ओनली फोर्स एक्टिंग इज एम जी तो नेट फोर्स जो है वो एम तो जी के बराबर है नेट फोर्स एम जी मास के बगैर जो है वो एक्सलोरेशन है वो जी के बराबर है एट पॉइंट एक्सलोरेशन जो है वो जी के बराबर है एट पॉइंट सी एक्सलोरेशन जो है वो कि जीरो के बराबर है एट पॉइंट बी एक्सलोरेशन आपको बतानी है कि किसके बराबर है वट विल डू इज हम पहले पॉइंट सी पे विस्कस फोर्स देखते हैं कि किसके बराबर वो तो एम के बराबर है और जी जो है वो ए के बराबर है वो यहां पर लिखते हैं फिर जाके बी और सी को कंपेयर करके बी वाला विस्कस फोर्स निकालेंगे फिर वहां से नेट फोर्स हमें एक्सेलोरेशन मिल जाएगी सो एट सी एट सी एट सी एफ वी इज इक्वल टू एम जी और लेकिन जी जो है वो ए के बराबर है तो इन टर्म्स ऑफ ए लिखते हैं क्योंकि हमारे आंसर जो जो ही है so okay? uh, okay? अब जाके बी और सी को कंपेयर कर लेते हैं B और C को compare कर लेते विस्कस फोर्स हमें पता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी तो इसका मतलब होगा फ्रॉम

एफ वी सी जो है एफ वी सी विस्कस फोर्स एट सी वो हम यहां पर देख रहे हैं वो एफ ए के एम ए के बराबर है एट सी एम ए के बराबर है सो दिस मीन्स एफ वी बी इज इक्वल टू टू थर्ड टू बाई थ्री ऑफ एम एम ए तो ये रहा अब यहां पर ये ध्यान में रखें ए जो है वो इनिशियल एक्सेलोरेशन है वो इस पॉइंट की एक्सेलोरेशन नहीं है वो इनिशियल एक्सेलोरेशन है ओके यहां पर जो भी एक्सेलोरेशन होगी ए बी या ए प्राइम जो भी आप लिखना चाहें तो हमें विस्कस फोर्स मिल गया एट पॉइंट बी टू थर्ड ऑफ एम ए टू थर्ड ऑफ एम ए अब पॉइंट बी को कंसिडर कर लेते हैं ओके पॉइंट बी को कंसिडर कर लेते हैं एट बी नेट फोर्स इज इक्वल एम जी माइनस एफ वी एम जी माइनस एफ वी ये नेट फोर्स है इज इक्वल मास इन टू एक्सलोरेशन एट बी ओके एक्सलोरेशन एट बी विच इज नॉट ए ए इनिशियल एक्सलोरेशन है ये तो हमें निकालना है यहां वाले एक्सलोरेशन एम जी जी के बदले में आल राइट ए क्योंकि हमें पहले ही पता है इनिशियली वो मिला था हमें कि ए जो और जी जो है वो सेम है इनिशियल एक्सलोरेशन माइनस एफ वी जो है वो हमें मिल गया टू थर्ड ऑफ एम ए टू थर्ड ऑफ एम ए is equal to m a b m m m goes to dogs so a b is equal to a minus two third of a three minus two is one one third of a so here acceleration johogi that is a divided by three that is a divided by three which is option one okay option one a divided by three fine Okay, so uh, let's move on to the next one. This is 23. Let's go to 24. A wooden cube floating in water supports a mass m equal to 0 0.2 kg on its top. When the mass is removed, uh, the cube rises by 2 centimeters. Okay, the cube rises by 2 centimeters. Uh, द स्लाइड द साइड ऑफ द क्यूब इज ओके साइड ऑफ द क्यूब हमें निकालना है कि किसके बराबर है सो so, हमारे पास एक क्यूब है ये यहां पर इसके ऊपर ये कोई मास है एम आपने रखा है जब आप इस मास को रिमूव करते हैं ओके okay, जब आप इस मास को रिमूव करते हैं तो मास रिमूव करने से ब्लॉक जो है वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा लेट सपोज यहां पर आ गया ब्लॉक यहां पर आ गया ब्लॉक सो इट इज हेयर ब्लॉक जो है वो यहां से लेके यहां तक ऊपर आ गया कितना ऊपर आ गया बाई टू सेंटीमीटर वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है टू सेंटीमीटर से ऊपर आ गया है साइड जो है वो ए के बराबर है ये भी ए के बराबर है ये भी ए के बराबर है तो इसका मतलब हुआ इस मास के वजह से इस मास के वजह से ब्लॉक जो है वो इतना एक्स्ट्रा नीचे था इतना एक्स्ट्रा नीचे था यानी कि इतना फ्लूड जो है वो किसके वजह से डिस्प्लेस हुआ था बिकॉज ऑफ दिस मास वो साहब ने रिमूव कर दिया वो फ्लूड वापस अपनी जगह पर आ गया ये ब्लॉक जो है ऊपर चला गया यह मास आप वापस ऊपर रखेंगे ये वापस नीचे आ जाएगा यहां पर तो इतना फ्लूड जो है वो फिर से डिस्प्लेस हो जाएगा सो वॉल्यूम ऑफ द फ्लू डिप्लेस बिकॉज ऑफ दिस मास नॉट बिकॉज ऑफ द ब्लॉक बिकॉज ऑफ द मास वो इसके बराबर है जिसकी विड जो है यहां पर विडि जो है वो ए के बराबर होगी सेम एज दैट ऑफ द ब्लॉक ये विडि जो है ये जो है इनवर्ट जो है वो भी ए ही के बराबर होगी क्योंकि ब्लॉक है क्यूब है तो तीनों साइड बराबर है और ये हाइट जो यहां पर है वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टू सेंटीमीटर के बराबर है तो ये वाली लेंथ ए के बराबर विड जो है वो भी ए के बराबर हाइट जो है वो टू सेंटीमीटर के बराबर सो दैट वुड मीन वॉल्यूम ऑफ फ्लूड दैट वॉज डिसप्लेस्ड

ए में सेंटीमीटर्स में ले रहा हूं ये ए बी सेंटीमीटर्स में ले रहा हूं टू बी सेंटीमीटर्स में सो दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर ओके सो दिस इज सिंपली टू ए स्क्वेड क्यूबिक सेंटीमीटर दिस इज वॉल्यूम ऑफ द फ्लू डिस्प्लेस बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ दिस मास सो so, ये जो बड़ फोर्स प्रोवाइड कर लेगा सिर्फ ये वाला पार्ट जो बयान फोर्स जो एक्स्ट्रा इस ब्लॉक की वजह से डिस्प्लेस हो रहा है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ उस पार्ट की बात कर करें जो इस ब्लॉक इस मास की वजह से आ, डिस्प्लेस हो रहा था तो इतना जो वॉल्यूम डिस्प्लेस जो होगा वो बॉन्ड फोर्स प्रोवाइड कर लेगा दैट विल बैलेंस दिस ब्लॉक ऑफ मास एम जो हमने इसके टॉप पे रखा है ब्लॉक के टॉप पे रखा हुआ है सो एम जी उसका वेट

टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा को नीचे लाते हैं एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एम डिवाइडेड बाई सिगमा नाव जीरो पॉइंट टू के जी एम जो है 0.2 पॉइंट टू के जी है यूनिट का ख्याल यहां पर रखना है रिमेंबर दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर ओके क्यूबिक सेंटीमीटर सो यहां से 0.2 पॉइंट टू सेंटीमीटर फिर जाके सिग्मा जो है वाटर है वाटर की डेंसिटी वन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लूंगा वन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ओके ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट्स का ख्याल रखें क्यूबिक सेंटीमीटर में ऐसे ही रखूंगा क्योंकि इस साइड से भी क्यूबिक सेंटीमीटर है ओके okay? तो वो मैं वैसे लेकिन ग्राम को मैं कन्वर्ट कर लूंगा क्योंकि यहां के को मैं कन्वर्ट कर लूंगा ग्राम में ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए सो दिस बिकम्स 0.2 पॉइंट टू इंटू टेन टू दॉवर थ्री ग्राम Divided by 1 gram per cubic centimeter. So gram and gram will cancel out. A square is equal to uh, 0 0.2 into 10 to the power 3. 0 0.2 into 10 to the power 3 divided by a 2 jo niche down. So that is 0 0.1 into 10 to the power 3. Uh, that is 100. So a square is equal to 100. That that would mean, that would mean mean a is equal to ए इज इक्वल टू टेन रिम्बर ए का यूनिट हमने centimeters लिया था ओके okay? सेंटीमीटर्स लिया था तो a is equal to इज centimeters. So side length जो है of the cube is टेन centimeters, which is option फोर ओके ऑप्शन फोर सो आपने सिर्फ ये देखना है कि ब्लॉक के वजह से कितना ये मास एम के वजह से कितना फ्लूड जो है वाटर जो है वो डिसप्लेस हुआ है वो आपने मेजर करना है उसके बाद रूटीन चीज है F B is equal to Mg. So let's move on to the next one now. 25. In a hydraulic lift in a service station, the radia of the large and small pistons uh, are in the ratio of 20 is to 1. Radia ka ratio. Radia ka areas ka nahi hai. radia ka ratio and 20 is to one. What weight placed on the smaller piston will be sufficient to lift a car of mass 1200 kg? Okay, so this is piston, smaller area, let's call this area A1. This is the piston, let's call area A2. इस पे गाड़ी है इसको लिफ्ट करना है यहां से आप कुछ मास रख रहे हैं यहां से आप कुछ मास रख रहे हैं इस पे, एम अब इस मास के वजह से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए इसको लिफ्ट करना है बेसिकली तो मिनिमम फोर्स जो होगा मिनिमम फोर्स वो इसके वेट के बराबर होना चाहिए मिनिमम फोर्स रुकोट इज इक्वल वेट इज इक्वल वेट ऑफ द कार तो यहां से जो फोर्स मिल जाएगा ऑन द पिस्टन दैट इज एम तो प्रेशर जो यहां से मिलेगा दैट इज एम जी डिवाइडेड बाई ए वन फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया अब हाइड्रोलिक uh, सिस्टम uh, है पास्कल्स लॉ जो है वो वैलिड रहता है फ्लूड जो है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है तो एक्स्ट्रा प्रेशर एक तो जो पहले से ही प्रेशर था उसकी हम बात नहीं कर रहे पर भी आएगा तो यहां पर फोर्स कितना आएगा फोर्स विल बी प्रेशर इन टू एरिया एरिया इसका ए टू के बराबर है एरिया इसका ए टू के बराबर है और ये तो अपवर्ड फोर्स आ गया और यहां डाउनवर्ड फोर्स जो है वो इसका एम जी कार इंटू जी मिनिमम कंडीशन क्या रहेगी ये इसके बराबर होना चाहिए ये इसके बराबर होना चाहिए तब जाके नेट फोर्स जीरो बन जाएगा और ये कॉन्स्टेंट स्पीड से ऊपर थोड़ा सा इससे ज्यादा होना चाहिए थोड़ा सा हल्का सा इससे ज्यादा होना चाहिए ताकि इनिशियल किक मिल जाए उसके बाद बराबर बन जाए तो कॉन्स्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा रिम्बर इनर्शिया लॉफ इनर्शिया ऑफ इनर्शिया इनिशियली मोशन प्रोड्यूस करने के लिए मोशन लाने के लिए नीड सम नेट फोर्स तो ये फोर्स जो होगा वो इसे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए लेकिन उसके बाद अगर आपको कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रखनी है कोई स्पीड गेन होगी स्पीड को आप कॉन्स्टेंट रखना है कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए नेट फोर्स जो होगा वो जीरो के बराबर होगा दैट मीन ये दो बराबर होने चाहिए वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं पी इंटू ए टू मस्ट भी इक्वल टू एम जी पी इंटू ए टू इज इक्वल टू एम जी अब रेडियो का रेशियो दिया हुआ है यहां पर एरियाज है तो उन्हें जरा कन्वर्ट कर लेते हैं आपसे कहा गया है कि आर टू डिवाइडेड बाय आर वन जो है दैट इज ट्वेंटी इज टू वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन इज इक्वल टू ट्वेंटी बाई वन ट्वेंटी बाई वन

अब लिफ्ट करने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या रहेगी पी ए टू मस्ट बी इक्वल टू एम और पी किसके बराबर है दैट स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ए वन स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ए वन इन ए टू इज इक्वल टू कैपिटल एम जी एंड जी गोज टू डॉक्स सो स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम ए वन ऊपर डिवाइडेड बाई ए नीचे अब डिवाइडेड आपके पास है ए टू डिड बाई एन इज फोर हंड्रेड तो यहां पर ए वन डिवाइड उपिटल एम वो कहा गया है ट्वेल्व हंड्रेड के बराबर है ट्वेल्व हंड्रेड इंटू एन बाई ए टू इज वन बाई फोर हंड्रेड उल्टा करना है 1 400. So 400, सीधे लिखते हैं दो जीरो कैंसल फोर इंटू थ्री तो एम इज इक्वल टू थ्री के जी m is equal to 3 kg so you just need a mass of 3 kg here to lift a 1200 kg car here that's the beauty of physics okay that's the beauty of physics pascal's principle so do we have any option uh, this is the one 3 kg okay first option okay so let's move on फिगर शोज फोर कंटेनर्स ऑफ ऑलिव ऑयल सो ऑलिबू में सेम ऑयल है सबू में सेम ऑयल है द प्रेशर एट डेफ एच इज ये एच है यहां पर लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर ये यहां पर डेफ्थ है एच ओके डेफ्त एच ये डेफ्थ एच जो है वो चारों केसेस में सेम है प्रेशर

A U tube uh, containing a liquid is accelerated horizontally with a constant acceleration A. If uh, separation between the vertical limbs is L, then the difference in the height of the liquid in the two arms is uh, acceleration horizontal with an acceleration A. Okay, So, U tube. पानी जो इसमें भरा हुआ होगा पहले तो ओरिजिनली सेम लेवल पे होगा ओके ओरिजिनली सेम लेवल पे होगा लेकिन जब आप एक्सलोरेशन ए देंगे तो यहां से पानी ऊपर आएगा यहां से पानी नीचे आएगा जैसे कि इससे पहले भी एक प्रॉब्लम में हमने देखा था कि वो इंक्लाइन सरफेस ऐसे बन जाती है यहां पर भी इंक्लाइन सरफेस ही बन जाएगी सो इंक्लाइन सरफेस कैसे बनेगी यहां से नीचे आएगा यहां से ऊपर आएगा ओके सो वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं ये यहां पर ऐसे बन जाएगी Okay. Uh, ये एंगल लेट सपोज थीटा के बराबर है और ये लेंथ जो है वो एल के बराबर है लिम्स के बीच में जो लेंथ है वो एल के बराबर है अच्छा वहां पर जो आर्गुमेंट हमने की थी इससे पहला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था एग्जैक्टली सेम आर्गुमेंट यहां पर भी इफेक्टिव जी जो होगा दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर इफेक्टिव जी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये सरफेस जो बन रही है आप टू लिम्स को मिला के अब ये इफेक्टिव जी कैसे बनेगा एक तो जी जो ओरिजिनल जी है ही और ये येलोरेशन जो आएगी यहां पर इस डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट जो होगा वो ये जी इफेक्टिव रहेगा जी इफेक्टिव रहेगा एंड द जी इफेक्ट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस उससे क्या हमें पता चल रहा है कि ये थीटा जो है यहां पर भी थीटा ही होगा यहां पर भी थीटा ही होगा डिफरेंस बिटवीन द टू हाइट्स डिफरेंस बिटवीन द टू हाइट्स यहां से लेके यहां तक ये एच के बराबर है तो वहां पर जो किया था एक्जैक्टली सेम चीज यहां पर कर लेंगे पहले तो ये वाला ट्राइंगल देख लें ये ए के बराबर है तो ये भी ए के बराबर है ये वाला साइड जो है वो जी के बराबर है तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पर पेंडिक्यूलर अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजस्टेंट साइड थीटा का अपोजिट साइड ए और एडजस्टेंट साइड यानी कि बेस वो जी के बराबर है तो ए डिवाइडेड बाई जी साइड परपेंडिकुलर होता है एडजस्टेंट साइड बेस होता है लेकिन अगर आप ये ट्राइंगल देख लेंगे ये ट्राइंगल देख वहां पर भी तो वही थीटा है तो वहां से अगर देखेंगे जो जो दो लिम्स के बीच में का फर्क है and base जो है वो दो लिम्स के बीच में डिस्टेंस एल है तो एच डिवाइडेड बाई एल एच डिवाइडेड बाई एल दिस मीन एच इज इक्वल एल को ऊपर लाते हैं ए एल डिवाइडेड बाई जी एल डिवाइडेड बाई जी एल डिवाइडेड बाई जी Yeah, L A divided by G, option 3. Okay, option 3. Let's move on. A hollow sphere of volume V is floating on water surface with a half immersed in it. Hollow sphere. What should be the minimum volume of water poured uh, inside the sphere so that the sphere now sinks into the water. Into the water. So, पहले क्या कंडीशन है केस वन जो है वो है बिल्कुल इस हॉलोस्फेयर का हाफ जो है वो इमर्सड है और वॉल्यूम जो है इसका पूरा वॉल्यूम जो है वो वी के बराबर है दैट मीन वी बाई टू जो है वो इमर्सड है और वी बाई टू जो है वो बाहर है हेमिसफेयर अंदर है हेमिसफेयर दूसरा हेमिसफेयर जो है वो बाहर है अब फ्लोट कर रहा है फ्लोट कर रहा है तो दैट मीन फोर्स जीरो होना चाहिए So, Mg, Mg must be equal to the buoyant force, Mg must be equal to the buoyant force, okay. So, Mg is equal to, buoyant force which will that is uh, volume of the fluid displaced, which is V by 2, volume of the fluid displaced, V by 2, into uh, density of the fluid, sigma, water ki density is sigma sigma, into acceleration due to gravity, G and G cancels out, so M is equal to, V sigma डिवाइडेड by 2 ये आपको मास मिल गया इस हॉलो स्फेयर का मास मिल गया इस हॉलो स्फेयर का अब दूसरा केस आपके पास है दूसरा केस आपके पास है जहां पर ये सिंक हो रहा है सिंक हो रहा है सिंक होने के लिए पहली कंडीशन है कि पहले तो फुली इमर्स बन जाएगा उसके बाद सिंक होगा हम फुली इमरसड वाला केस जो है वो कंसिडर कर लेंगे ये फुली इमरसड वाला केस ये क्रिटिकल केस बन जाएगा ओके okay? ये क्रिटिकल केस बन जाएगा ये फुली इमरसड वाला केस तो यहां पर यहां पर, अब आपने क्या किया है ये कैसे ये सिचुएशन आ गई आपने इसमें से थोड़ा, इसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा है इसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा है कितना पानी भरा है लेट सपोज उसका वॉल्यूम जो है वो वी प्राइम के बराबर है जो ये पानी का वॉल्यूम जो आपने अंदर भरा हुआ है इसके अंदर भरा हुआ वो वी प्राइम के बराबर है जब आपने हॉलोस्फेयर के अंदर पानी भर दिया तो इसका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा वेट इंक्रीज हो जाएगा तभी जाके नीचे जा रहा है जितना आप ज्यादा पानी भर देंगे जितना आप ज्यादा पानी भर देंगे उतना इसका वेट ज्यादा बन जाएगा उतना ही नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा क्रिटिकल कंडीशन जो है वो ये बन गई क्रिटिकल कंडीशन ये बन गई यहां पर अब क्या होगा अगर आपने एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया तो सिंक हो जाएगा ज इफ यू पुट ए टी मीनी लिटिल बिट ऑफ वॉटर इन दिसंक हो जाएगा सो क्रिटिकल इज वट वी आर कंसिडरिंग क्रिटिकल इज वट वी आर कंसिडरिंग अब यहां पर आके सिंह ने क्रिटिकल किया है तो अभी भी यह फ्लोट ही कर रहा है क्रिटिकल में अभी भी यह फ्लोट ही कर रहा है तो अभी जो एम जी होगा मैं लिखूंगा एम प्लस एम प्राइम इंटू जी एम इज मास पहले से था हॉलोसफियर एम और एम प्राइम जो है जो आपने उसके अंदर पानी डाल दिया बाहर से जो पानी है वो नहीं जो आपने उसके अंदर पानी डाल दिया उसका मास है तो टोटल मास बन जाएगा एम प्लस एम प्राइम इंटू जी और जो बायोन फोर्स होगा बायोन फोर्स होगा सिंक होने के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन साइड द होलोसफियर मस्ट बी ए लिटिल ग्रेटर देन वी प्राइम ए लिटिल ग्रेटर देन वी प्राइम ग्रेटर देन प्राइम का क्या मतलब होगा वी प्राइम अगर सपोज आपके पास आ गया से फाइव सेंटीमीटर सपोज फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर आ गए लिटिल मोर देन दैट वुड मीन फाइव पॉइंट जीरो 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 मिलियन एडियन एडियन ऑफ जीरोन ये सिंक होने के लिए कंडीशन है और ये फुली इमर्स के लिए कंडीशन है फुलिस इमर्स लेकिन फ्लोट कर रहा है फुली इमर्सड एंड फ्लोट्स ये फुली और फ्लोट के लिए कंडीशन है ये सिंक के लिए कंडीशन है प्रैक्टिकली सेम वैल्यूज है प्रैक्टिकली सेम वैल्यूज है इसलिए हम ये क्रिटिकल केस कर रहे हैं और अगर मास की आप बात कर लेंगे मास प्राइम वाटर का अंदर है तब जाके ये फ्लोट कर रहा है विद फुली द लिक्विड लेकिन अगर प्राइम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना देंगे तब जाके सिंक कर लेगा वो भी इसी तरह अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा ओके नाउ नाउ बैलेंस होने के लिए एम प्लस एम प्राइम टाइम जी मस्ट बी इक्वल टू फोर्स फोर्स जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द फ्लू डिस्प्लेस्ड अभी जितना वॉल्यूम स्फेयर का है वो सारा उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लू डिस्प्लेस हुआ है ये सारी जगह जो है वो डिस्प्लेस हुई है फ्लूड जो है वो डिस्प्लेस हुआ है इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लू सिग्मा इंटू जी एक्सलोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब जी एंड जी विल कैंसिल आउट दिस एम्प्लाइज दिस एम्प्लाइज हमें v प्राइम निकालना है वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द वॉटर पोर्ड ओके वो वी प्राइम हमें निकालना है सो so m, m आपने यहां पर देखा है सिग्मा डिवाइडेड बाई टू v सिग्मा डिवाइडेड बाई टू प्लस m प्राइम मास इज़ इक्वल वॉल्यूम वॉल्यूमेंट डेंसिटी डेंसिटी तो वही सिग्मा है और वॉल्यूम जो है वो V प्राइम है

तब जाके ये फुली uh, इमर्स uh, हो जाएगा और अगर थोड़ा सा एक खतरा भी उसे ज्यादा कर दिया तब ये सिंक हो जाएगा तब ये सिंक हो जाएगा सो प्रैक्टिकली वी बाय टू इज द आंसर ओके प्रैक्टिकली वी बाय टू इज द आंसर सो ऑप्शन वन ऑप्शन वन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ डेंसिटी ऑफ आइस इज रो एंड दैट ऑफ वॉटर इज सिग्मा वट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूमासकी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू इक्वल वाटर सेम मास वाटर ओके तो जब आइस मेल्ट हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है यह तो हमें पहले ही पता है दिस इज दैट एनोमल बिहेवियर ऑफ वाटर लेकिन मेल्ट होने से पहले अगर मास एम है मेल्ट होने के बाद भी मास एम ही रहेगा तो वो तो सेम है तो मास एम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जब आइस फॉर्म में है तो डेंसिटी रो के बराबर है इंटू वॉल्यूम वी आई मैं लिखूंगा आई इज फॉर द आइस ओके आई इज फॉर द आइस अब जब ये मेल्ट हो रहा है तब भी तो सेम मास है मेल्ट होने के बाद तो लिक्विड वाटर है लिक्विड वाटर की डेंसिटी जो है वो सिग्मा के बराबर है तो सिग्मा इंटू वी डब्ल्यू वी वॉटर वी डब्ल्यू ओके अब जाके वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम जो होगा वो कितना डिक्रीज होगा वो कितना डिक्रीज होगा डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड हाउ व चेंज इन वॉल्यूम मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम दैट इज वी आइस माइनस वी डब्ल्यू वी आइस माइनस वी डब्ल्यू वी आईस में ले रहा हूं क्योंकि आइस uh, वाला वॉल्यूम ज्यादा है आई वॉन्ट कीप इट पॉजिटिव आइस वाला वॉल्यूम ज्यादा है वॉटर वाला वॉल्यूम जो है वो कम है तो वी आई माइनस वी डब्ल्यू में इसलिए ले रहा हूं अब यहां से एम इज इक्वल टू रो वी आई यहां से रो को नीचे लाएंगे तो वी आई इज इक्वल एम डिवाइडेड रो माइनस यहां से अब ये और ये वी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा को नीचे लाएंगे तो दिस इज एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एम डिवाइडेड बाई सिग्मा सो द अमाउंट दिच वॉल्यूम डिक्रीज इज इक्वल टू एम को कॉमन ले लें

A steel block having an internal cavity weighs 234 g, okay, 244 g in air and 127 g is grams. Now, the acceleration due to gravity, or grams, so it won't matter. Uh, 197 uh, g in water. So this is the real weight. This is the real weight W, and this is the apparent weight. This is the apparent weight. Uh, in water, uh, if the density of steel is 7.8 gram per cubic uh, centimeter, then volume of the cavity is, okay, volume of the cavity is fully immersed hai, W apparent, ke liye, okay, fully immersed. Hai. Okay, so we have some block of steel, this is steel block, uh oh स्टील ब्लॉक और यहां पर कुछ कैविटी है दिस इज आर कैविटी यहां पूरा स्टील का मटेरियल है ओके okay. स्टील का मटेरियल है अब हमारे पास यहां पर दो वॉल्यूम्स है एक तो है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक जिसमें सारा वॉल्यूम आ जाएगा ओके वी ऑफ ब्लॉक सो उसमें ये सारा वॉल्यूम आ जाएगा देन देर इज वॉल्यूम ऑफ स्टील जिसमें यह वॉल्यूम आ जाएगा जो स्टील का मटेरियल है देन देर इज वॉल्यूम ऑफ कैविटी

Uh, तो वहां से हमें वॉल्यूम ऑफ स्टील जो है वो मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्टील जो है वो मिल जाएगा डेंसिटी बी हमें पता है तो मास ऑफ स्टील इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टील रो इन टू वॉल्यूम ऑफ स्टील वी एस ओके वी एस दैट इज टू हंड्रेड थर्टी फोर ग्राम्स ही रख लें क्योंकि यहां पर भी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो ग्राम्स ही रखते हैं सो दिस इंप्लाइज वी एस इज इक्वल टू 234 डिवाइडेड बाय रो और रो जो है दैट इज 7.8 7.8 ये ग्राम्स है ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है ग्राम ग्राम विल कैंसिल आउट तो क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो बच जाएगा सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ द स्टील ओके वॉल्यूम ऑफ द स्टील अब जाके देखते हैं कि वेट्स का क्या होगा ओके okay? वेट्स का क्या होगा नाउ uh, हमें पता है कि अपेरेंट वेट जो है That's equal to real weight minus burnt force. Okay. Real weight minus burnt force. Apparent weight 197, 197 G. Now this G is acceleration due to gravity. This G is a mass into Mg. Mg. So this is apparent into G. Apparent into G is equal to W real wo hai 234 into acceleration due to gravity. Wo gram wala g. Nie. acceleration due to gravity wala g. Minus minus. एफ बी फोर्स अब बायोन फोर्स जो है वो हमें पता है फ्लू डिस्प्लेस्ड uh, जब ये पूरा वॉल्यूम फ्लूड uh, के अंदर होगा तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लू डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक जितना ये वॉल्यूम है उतना ही फ्लू डिस्प्लेस्ड होगा इन देंसिटी ऑफ द फ्लूड डेंसिटी ऑफ फ्लूड कौन सा फ्लूड है वाटर है तो डेंसिटी ऑफ लूड रिमेंबर हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में सब कुछ ले रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ लूड इज वन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर की डेंसिटी फिर जाके वॉल्यूम ऑफ फ्लू इंट डेंसिटी इंटू एक्सलोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्सलोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ओके अब कैंसिल क्या क्या होगा जी 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 एक्सलोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल कैंसिल आउट सो दिस इंप्लाइज वी ब्लॉक को यहां लाते हैं ओके okay, वी हमें वॉल्यूम ऑफ द कैविटी निकालना है वी ब्लॉक यहां लाते हैं तो प्लस बन जाएगा नाउ दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टील प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी रिमेंबर वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ द स्टील पार्ट जो स्टील मटेरियल वाला पार्ट है प्लस वॉल्यूम ऑफ द कैविटी वाला जो पार्ट है इज इक्वल टू टू थर्टी फोर माइनस वन नाइनटी सेवन माइनस वन नाइनटी सेवन सो दिस इंप्लाइज वी सी इज इक्वल टू टू थर्टी फोर माइनस वन नाइनटी सेवन थ्री हो गए टू टू हंड्रेड थर्टी फोर प्लस थ्री इज थर्टी सेवन थर्टी सेवन माइनस वी एस जो वहां जाएगा वी एस जो है आपको सिंप्लीफाई करनी है मैंने पहले ही किया है दिस कम्स आउट टू बी सेवन क्यूबिक सेंटीमीटर सेवन क्यूबिक सेंटीमीटर सो vc वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज सेवन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑप्शन टू ऑप्शन टू ओके सेवन क्यूबिक सेंटीमीटर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड्स विद अब ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है लो डेंसिटी लो विस्कोसिटी, ओके लो डेंसिटी लो विस्कोसिटी, जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन A given shaped glass tube, okay, this is the one, uh, having uniform cross sectional, uh, uniform cross section is filled with water and is mounted on a rotate uh, table shaft as shown in figure. If the tube is rotated with a constant angle of velocity omega, then water, okay, Yeah rotate karraha ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है विद एलो वेलोसिटी ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है विद कॉन्स्टेंट एंग्लो वेलोसिटी अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगी वो यहां पर रेडियली आउटवर्ड होगी यहां पर भी रेडियली आउटवर्ड होगी सो so, लिक्विड यहां से और यहां से ऊपर आएगा यहां पर ऑब्वियसली नीचे जाएगा सो ए और बी में ए और बी में लिक्विड विल राइज वाटर लेवल विल इन बोथ सेक्शंस ए एंड बी विल गो अप बोथ ए एंड बी विल गो अप लेटमी यूज ए डिफरेंट कलर दूसरा ऑप्शन जो है वॉटर लेवल uh, no. no. uh, no. इन सेक्शन ए गोज अप एंड दैट इन बी गोजन नो वॉटर लेवल इन सेक्शन ए गो कम्स डाउन नो वाटर लेवल रिमेन अ सेम इन बोथ नो इन दोनों में ऊपर जाएगा ओके इन दोनों में ऊपर जाएगा थर्टी थ्री एक्ूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड टेन सेंटीमीटर ऑन साइड फ्लोट्स एट द इंटरफेस ऑफ ऑइल एंड वाटर सो ऊपर ऑयल है नीचे वाटर हैं ये वुड जो है वो बीच में फ्लोट कर रहा है विद इट्स लोअर फेस टू सेंटीमीटर्स बिलो द बिलो द इंटरफेस तो ये वाला पार्ट जो है वो टू सेंटीमीटर्स हैं तो ये वाला पार्ट जो होगा दैट इज एट सेंटीमीटर्स ओके दैट इज एट सेंटीमीटर्स Uh, the intensity of the oil is the density of the oil. This must be density. Density of the oil is 0 0.6 gram per cubic centimeter. This is per cubic centimeter. The mass of the block is so block of mass hai ki kiske barabar hai. Okay. Block of mass hamnek. Simple gravitational force is balanced by the burnt force. Gravitational force downward. Burnt force upward. So Mg. एम जी इज इक्वल टू एफ बी एम जी इज इक्वल ना एफ बी वेट ऑफ द फ्लू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लू इंटू जी अब यहां पर लेकिन दो फ्लूड हैं तो दोनों को अलग अलग कंसिडर करना होगा पहले वॉटर वाला पार्ट ले लें ये वाला पार्ट ले लें पहले वॉटर वाला पार्ट ले लें वॉटर वाला पार्ट जो डिस्प्लेस हुआ है उसके वजह से कितना बायोड फोर्स प्रोड्यूस होगा फिर ऑइल वाला पार्ट जो डिस्प्लेस हुआ है उसके वजह से कितना बायोड फोर्स प्रोड्यूस होगा फिर टोटल बर्य फोर्स उन दो का सम होगा तो वाटर वाले पार्ट की वजह से देखें कि बर्ण फोर्स कितना होगा बर्यड फोर्स कितना होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, सो सिग्मा डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर, सिग्मा डब्ल्यू ही कहा गया ओके विल कीप इट सिग्मा सिग्मा डब्ल्यू इनटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है ऐसे लेंथ जो है वो टेन के बराबर है ऐसे इनवर्ड लेंथ जो होगी वो भी टेन के बराबर है और हाइट जो है वो टू सेंटीमीटर के बराबर है तो ऐसे टेन सेंटीमीटर लेंथ सेंटीमीटर और हाइट जो है वो टू सेंटीमीटर टेन इंटू टेन इंटू टू टेन इंटू टेन इंटू टू इंटू ड्यू टू ग्रेविटी सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इनटू एक्सलोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो वाटर वाले पार्ट के वजह से हो प्लस ऑयल वाले पार्ट के वजह से अब कितना होगा दैट इज सिंपली वेट ऑफ द ऑयल डिस्प्लेस्ड ओके अब वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिस्प्लेस डेंसिटी ऑफ ऑयल डेंसिटी ऑफ ऑयल सिग्मा ओ मैं लिख रहा हूं इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड अब वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड कितना है ऐसे तो टेन है

सिग्मा डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू ओके लेट्स लेट द वैल्यूज यहां पर ही सिग्मा डब्ल्यू जो है दैट इज वन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हम हर कोई लेंथ हर कोई सेंटीमीटर में है मास जो है वो हर कोई ग्राम्स में है सो टू हंड्रेड इंटू वन प्लस ऑयल की डेंसिटी जो है जीरो पॉइंट सिक्स ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर सो जीरो पॉइंट सिक्स दिस इज टेन इंटू टेन इज हंड्रेड हंड्रेड इंटू एट इज एट हंड्रेड

680 grams. Okay, so uh, let's move on to the next one. 34, 34. A small ball of density r, uh, density r, is immersed in a liquid of density sigma. Radius r. This must be radius r. Is immersed in a liquid of density sigma. Sigma is greater than rho. Sigma is density of the ball and rho must be density of the liquid. Uh, a small ball uh, is of derived aside in a liquid. Sigma is density of the liquid, sigma is density of the liquid, rho is density of the uh, body, rho density of the fluid. Yeah, density of this ball, density of this ball. Uh, to depth H and release the height uh, above the surface up to which the ball will jump is okay. so what we have here is we have a ball here rest pe ye ball yahan par hai let's call this point a surface pe aake we'll call this b आपने इसको जबरदस्ती वहां पर रखा है आपने इसको uh, uh, depth एच पे रखा हुआ है So this is depth एच जबरदस्ती रखा हुआ है अदरवाइज इसकी डेंसिटी जो है रो आ, फ्लूड की डेंसिटी जो है सिग्मा वो ज्यादा है इसकी डेंसिटी से सो so, इसकी डेंसिटी जो है वो कम है इसकी डेंसिटी कम है बॉडी की डेंसिटी कम होगी तो वो तो फ्लोट करती है वो तो हमें पता है सो so, आपने इसको जबरदस्ती यहां पर रखा हुआ है जब आप छोड़ देंगे ये ऊपर आ जाएगा ये ऊपर आ जाएगा सो so, इस पर जो फोर्सेज होंगे एक तो बयान फोर्स होगा एफ बी दूसरा जो है एम जी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स फॉरगेट अबाउट द विस्कस फोर्स हम एज्यूम लेंगे बॉल स्मॉल है तो इसलिए कोई विस्कस uh, फोर्स नहीं होगा अदरवाइज कोई ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ होता सो विल इट नॉन विस्कस या विल कंसिडर दैट द ब्लॉक बॉल इज वेरी स्मॉल ओके नाउ अभी रिमेंबर आपने इसको जबरदस्ती यहां पर रखा हुआ है वो इसलिए क्योंकि एफ बी ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू एम जी जब डेंसिटी ऑफ बॉडी जब डेंसिटी ऑफ बॉडी इज स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो फ्लोट करते हैं विद पार्शियली पार्शियली इमर्सड इमर्सड जब ये है तब जाके एम जी और एफ बी बराबर बन जाते हैं लेकिन अगर आप इसे और नीचे लेंगे तब ये तो और फ्लूड को डिस्प्लेस कर लेगा तो एफ बी ज्यादा बन जाएगा इन कंपैरिजन टू एम जी सो यहां पर एफ बी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एम जी एम जी से ज्यादा होगा तो विद रिजल्ट नेट फोर्स जो होगा वो अपवर्ड होगा नेट फोर्स अपवर्ड होगा एक्सलोरेशन भी अपवर्ड होगी ओके एक्सलोरेशन भी अपवर्ड होगी दिस सिचुएशन विल कंटिन्यू व्हेन इट रीच द टॉप वैन रीच इज द सरफेस ओके ओकेट रीच इज द सरफेस यहां तक ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी सरफेस तक लेट सपोज इसने स्पीड जो है वो वी गेन की है ओके सरफेस पे इसने स्पीड जो है वो वी गेन की है अब उसके बाद क्या होगा लेट्स इट रीच टू दिस पॉइंट अब यहां से लेके लेट्स कॉल दिस पॉइंट सी ओके वी विल कॉल दिस सी अब बी टू सी बी टू सी इस पे क्या है खाली एम जी एक्ट कर रहा है खाली एम जी एक्ट कर रहा है उसके बाद ऑब्वियसली वापस आ जाएगा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये कितना ऊपर जाएगा अलकॉल दिस एस ओके अलकॉल दिस एस क्योंकि एच हमने यहां पर यूज किया है कितना ये ऊपर जाएगा अबो द सरफेस ऑफ टू विच बॉल विल जंप

net force is equal to f b minus mg F b sigma v g minus mg Rho v density into volume is ka volume v ke hai, into G into G let me erase this ok so this is net force now this net force is mass into acceleration mass you have rho into V into acceleration a. एक्सेलरेशन so जो है वो किसके बराबर आ जाएगी वी वी एंड कैंसल आउट रो को नीचे लाइए सो टू सिग्मा डिवाइडेड बाय रो माइनस रो डिवाइडेड बाय रो इज वन और जी को कॉमन लेते हैं जी को कॉमन ले लिया दिस इज एक्सलोरेशन कहां से कहा ए टू बी ए टू बी ये हम कंसिडर कर रहे हैं ए टू बी ये वाला पार्ट जो है दिस इज ए टू बी सो एक्सेलरेशन ए टू बी मिल गई डू इज ए टू बी में फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे क्योंकि वही वही जो है बी टू सी की इनकी सो आईट फाइनल टू ए एस कंसिडर कर लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस वी स्क्र यही तो हमें चाहिए माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू ए जो है वो ये रहा सिग्मा डिवाइडेड बाय रो माइनस वन टाइम्स जी और एस जो है वो हाइट एच है वो ये डेप्थ एच जो थी यहां से यहां तक सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई सिग्मा बाय रो माइनस वन इंटू जी एच दिस इज आर वी स्क्वायर जो ए टू बी फाइनल वेलोसिटी वी है बी टू सी वही इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी ओके? वही इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी अब सेम इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे सेम इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे फ्रॉम बी टू सी फ्रॉम बी टू सी सेम इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस सो एस हमें निकालना है एस हमें निकालना है v स्क्वायर जीरो यहां फाइनल वेलोसिटी जो है जीरो टॉप पे जब पहुंचेगा तो वहां तो वेलोसिटी जीरो बन जाएगी वहां से तो फिर वापस आना है माइनस u स्क्वायर u स्क्वायर जो है वो यहां वाली वेलोसिटी है जो आपने देख लिया a टू b के फाइनल वेलोसिटी थी तो दैट इज ट्वाइस सिग्मा बाय रो माइनस वन जी एच इज इक्वल टू टू अब यहां पर एक्सलोरेशन जो है वो g है डाउनवर्ड क्योंकि खाली ग्रेविटेशनल फोर्स है सो फ्री फॉल माइनस जी इंटू एस एस ही तो हमें निकालना था माइनस एंड माइनस गोज जी एंड जी गोज सो एस इज इक्वल टू टू और टू ऑल्सो गोज सो एस इज जस्ट इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय रो सिग्मा डिवाइडेड बाय रो माइनस वन टाइम्स एच तो किस हाइट तक जाएगा अबोव द सरफेस ऑफ वाटर इज सिग्मा बाय रो माइनस वन टाइम्स एच सिग्मा बाय रो माइनस वन टाइम्स एच ऑप्शन वन ऑप्शन वन सिग्मा बाय रोफ माइनस वन टाइम्स एच सो इट नेक्स्ट देखते दर्टी फाइव फॉर ए फ्लूड व्हिच इज फ्लोइंग स्टडीली द लेवल इन द वर्टिकल ट्यूब्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अगेन पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उसके बाद बर्नॉली थ्योरम जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी रिमेंबर इज सो जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी ओके okay? वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी और जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी देन बर्न स्थेरम सिंसाइट जो है दैट रिमेन द सेम पी प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर ज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जहां पर स्पीड ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर जो होगा वो कम होगा वहां पर प्रेशर जो होगा वो कम होगा सो so यहां पर आप नोट कर लें हमारे पास एक तो वाइडर पार्ट है पाइप का और फिर नैरो पार्ट है पाइप का वाइडर पार्ट है पाइप का और फिर नैरो पार्ट है पाइप का यहां पर भी एक आउटलेट काइंड ऑफ है यहां पर भी एक आउटलेट है यहां पर भी एक आउटलेट है तो यहां से पानी जो है वो जा रहा है यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो स्पीड जो होगी वो कम होगी स्पीड जो होगी वो कम होगी स्पीड कम होगी तो प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा यहां पर स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी तो प्रेशर जो होगा वो कम होगा यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो यहां पर ज्यादा ऊपर जाएगा यहां पर प्रेशर कम है तो यहां पर कम ही ऊपर जाएगा तो so, ब्रॉडर वाला पार्ट जो है वहां पर पानी ज्यादा ऊपर जाएगा और वाला पार्ट जो है वहां पर पानी जो है वो कम ही ऊपर जाएगा तो इट्स बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट वन फर्स्ट वन वहां ब्रॉडर वाले पार्ट में देखें कि पानी ज्यादा ऊपर गया और नैरो uh, वाले पार्ट में देखें कि पानी जो है वो कम ऊपर गया इनफैक्ट ये आपने मेरे ख्याल से क्लासरूम में किया होगा डिफरेंस ऑफ हाइट से ही फिर हम प्रेशर uh, जो है वो मेजर कर लेते हैं Okay, so let's move on to the next one now. This was thirty-five. Let's go to thirty-six now. The cylindrical tube of a spray pump has radius r. One end of which has n fine holes, each of radius small r. Hole ka radius small r. Cylinder ka pipe ka radius capital R. Okay, if the speed of the liquid in the tube is V, the speed of the ejection of the liquid through the holes is so. We have this pipe here. n holes, n holes. Okay, n holes. So, equation of continuity: equation of continuity a1v1 is equal to a2v2. Here, a1v1. इज इक्वल टू अब यहां पर एन पार्ट हो रहे हैं तो पहली बात के एन टाइम्स लेना पड़े सिंस एन आइडेंटिकल पार्ट हैं तो सीधे ही एन टाइम्स लेंगे एन टाइम्स ए टू वी टू एन टाइम्स ए टू वी टू ए वन विल बी एरिया क्रॉस सेक्शन हेयर वी वन विल बी स्पीड हेयर A2 जो है दैट इज वन ऑफ द होल्स वन ऑफ द होल्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑफ वन द होल्स एंड V2 टू इज स्पीड ऑफ द द कमिंग आउट ऑफ 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 वन होल्स होल्स फिर टाइम करके ये सभी जो है दे विल बी टेकन केयर डिफरेंट अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होते तो हमें अलग अलग एड करना होता है यहां पर आइडेंटिकल है तो सीधे ही एन टाइम्स हम लेंगे सो नाउ सिलेंडर का रेडियस जो है वो आर के बराबर है कैपिटल आर तो एरिया जो होगा दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर और वहां पर वेलोसिटी जो है वो कैपिटल वी से रिप्रेजेंट की गई है देन टाइम्स एरिया ऑफ द होल उसका रेडियस स्मॉल आर के बराबर है तो एरिया विल बी पाई स्मॉल स्म स्क्वायर फिर वी टू ही हमें निकालना है स्पीड हां वी टू ही हमें निकालना है सो दिस इंप्लाइज पाई एंड पाई कैंसल आउट तो v2 टू इज इक्वल एन आर स्क्वायर को नीचे लाएंगे v टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्मॉल आर स्क्वायर So, this is the speed with which water will flow out of the holes V capital R square divided by n small r square, V capital R square divided by n small r square, V capital R square divided by n small r square. Option 3, okay, option 3. So, this was 36. Let us move on 37. रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम फोर अच्छा फिल्म है फिल्म का ख्याल रखना है कि दो सरफेस होंगे दो सर दिस इज से फिल्म यहां से एक सरफेस है यहां से एक सरफेस है वर्क डन इज थ्री इंटू टेन टू दॉर माइनस फोर जूल द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज सो ये पहले है फोर इंटू फोर क्रॉस टू ये ओरिजिनल है तो टोटल एरिया यहां वाले साइड से फोर इंटू टू और दूसरे वाले साइड से फोर इंटू टू यहां वाले साइड से फोर इंटू टू और यहां वाले साइड से फोर इंटू टू तो व्हाट इज इनिशियल एरिया इनिशियल टोटल एरिया इनिशियल टोटल एरिया इज ट्वाइस फोर इंटू टू टाइस फोर लेंथ इंटू ब्रेड तो वो तो लेकिन एक साइड का होगा दूसरे साइड से भी इतना ही है तो टुवाइस so, और यूनिट्स क्या है सेंटीमीटर है तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा फोर इंटू टू एट एट इंटू टू सिक्सटीन स्क्वायर सेंटीमीटर ओके दिस इज इनिशियल एरिया दिस इज इनिशियल एरिया अब इसका एरिया आप इंक्रीज करें टू फाइव क्रॉस फोर फाइव क्रॉस फोर सो फाइव क्रॉस फोर फाइव क्रॉस फोर तो फाइनल वॉल्यूम के फाइनल एरिया किसके बराबर है फाइव इंटू फोर अगेन दो साइड से यहां से फाइव क्रॉस फोर और यहां से भी फाइव क्रॉस फोर दो से फिल्म है दो सरफेस है तो ट्वाइस फाइव क्रॉस फोर फाइव फोर इज ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू टू इज फोर्टी स्क्वायर सेंटीमीटर तो इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया आपको मिल गया अब वर्क डन जो है वो इससे पहले भी हमने एक बार किया वर्क डन जो है दैट इज चेंज इन सरफेस एनर्जी दैट इज चेंज इन सरफेस एनर्जी विच इज सरफेस इन टू डेल्टा ए चेंज इन एरिया ओके सो डब्ल्यू दिया हुआ है थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर इज इक्वल टी यही तो हमें निकालना है डेल्टा ए डेल्टा ए फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया फोर्टी माइनस सिक्सटीन 40 माइनस सिक्सटीन लेकिन ये स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना होगा इंटू टेन टू दॉर माइनस फोर सेंटीमीटर टेन टू दॉर माइनस टू लेकिन है, तो पॉलर माइनस फोर बन जाएगा टेन टू दॉर माइनस फोर टेन टू दावर माइनस फोर विल इंप्लाइज टी इज इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाई फोर्टी माइनस सिक्सटीन इज ट्वेंटी फोर ओके ट्वेंटी फोर थ्री इंटू एट सो टी इज़ इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एट न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन वन बाय एट वन बाय एट इज ज़ीरो पॉइंट टेन आएगा तो वन टू आएगा तो टू ट्वेंटी टू फिर फोर uh, फोर बन जाएगा फाइव न्यूटन पर मीटर ज़ीरो पॉइंट वन टू फाइव जीरो पॉइंट वन टू फाइव न्यूटन पर मीटर ऑप्शन टू ओके ऑप्शन टू बस ये वर्क डन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि किसके बराबर है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ थ्री लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज इन ऑर्डर रो वन इज ग्रेटर देन रो टू इज ग्रेटर देन रो थ्री विथ सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन तीनों का सेम राइज टू द सेम हाइट इन थ्री आइडेंटिकल कैपलरीज एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री ओबे पहली बात जो है वो ये नोट कर लेज टू द सेम लिक्विड सो यह डिप नहीं हो रहा है राइज हो रहा है ओके okay? राइज हो रहा है राइज होने के केस में राइज होने के केस में आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्कस जो है वो इस शेप का बन जाता है कंकेव अपवर्ड कनके डिप के केस में ऐसा बन जाता है कन्वेक्स अपवर्ड कन्वेक्स अपवर्ड वहां पर डिप हो जाता है यहां पर राइज़ हो जाता है वहां पर राइज़ हो जाता है और राइज़ के केस में राइज़ के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है अगर तो ये पूरा हेमिस्फीयर बन गया जैसे कि वाटर ग्लास के केस में बन जाता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 के बराबर बन जाएगा अब 0 से कम तो हो नहीं सकता है ओके फिर मैक्सिमम क्या हो सकता है मैक्सिमम 90 से कम होगा क्योंकि 90 पे मिनिस्कस uh, की सरफेस जो होगी वो फ्लैट होगी और फ्लैट बनना जो है वो पॉसिबल नहीं है तो वहीं पर तो 90 डिग्री बन जाएगा सो so, मैक्सिमम 90 से कम होना चाहिए मैक्सिमम 90 से कम होना चाहिए सो लेस और इक्वल टू थीटा इज लेस देन पाई बी टू दिस इज इंपॉर्टेंट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन नाइनटी से ज्यादा वहां ये अगर होगा तो ऐसे अगर बना हुआ होगा ऐसे अगर तो यहां से टेंजेंट आएगा सरफेस यहां से तो आएंगे लेकिन वहां पर तो डिप होता है डिप सो so 90 से ज्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट में डिप हो जाता है विच इज नॉट आरके एस इज राइज होना तो इट मस्ट बी लेस देन 90 या फिर जीरो के बराबर भी हो सकता है सो जीरो जीरो के बराबर भी हो सकता है जीरो से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन नाइनटी से कम होना चाहिए तो यह तो एक कंडीशन हमारे पास है यह तो एक कंडीशन सो so, ये तीनों एंगल जो हैं, थीटा वन थीटा टू और थीटा टू थ्री थीटा थ्री थी, वो इस रेंज में होने चाहिए वो इस रेंज में होने चाहिए अब जाके हाइट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है एच इज इक्वल थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर सरफेस टेंशन तीनों केसेस में सेम रो जो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड थ्री लिक्विडीज तो रो डिफरेंट है जी जो है वो तो सेम है। आर जो है वो भी सेम है आइडेंटिकल कैपलरी तो रो डिफरेंट है एच जो है वो भी सेम है आपसे कहा जा रहा है दाइज टू द सेम हाइट द राइज टू द सेम हाइट तो एक साइड टी और रो जो है ये दो डिफरेंट चीज है टी और रो जो है वो डिफरेंट चीज रो को ऊपर लाते हैं या कॉस्थीटर कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू रो जी आर रो जी आर और एच वहां पर पहले से ही है डिवाइडेड बाय टू टी डिवाइडेड बाय टू टी जी भी कॉन्स्टेंट आर तीनों केसेस के लिए सेम एच तीनों केसेस के लिए सेम टी तीनों केसेस के लिए सेम दिस एम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जहां रो ज्यादा होगा वहां कॉस ऑफ थीटा भी ज्यादा होगा जहां रो कम होगा वहां पर कॉस ऑफ थीटा भी कम होगा और लेकिन थीटा का ख्याल रखना है, जीरो होता है वन के बराबर कॉस्ट ऑफ नाइनटी होता है कॉस ऑफ नाइन्टी होता है जीरो के बराबर सो कॉस्ट ऑफ थीटा ज्यादा होगा वन के करीब तो थीटा कम है उल्टा है जितना थीटा आप इंक्रीज करेंगे फ्रॉम जीरो थीटा कम होगा so, हो थीटा थीटा हो 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 तो ये इनवर्स काइंड ऑफ है इनवर्स रिलेशनशिप जीरो पे वन है तो जब एंगल जीरो के करीब होगा तो कॉस्ट ऑफ थीटा ज्यादा है वन के करीब लेकिन जब एंगल नाइनटी के करीब जाता है तो कॉस्ट ऑफ थीटा कम हो जाता है सो so, एंगल बढ़ जाता है कॉस्ट ऑफ थीटा घट जाता है कॉस्ट ऑफ थीटा कम होगा एंगल ज्यादा होगा तो अब यहां पर देख लें यहां पर देख लें रो के बारे में आपसे कहा गया है कि रो वन इज ग्रेटर देन रो टू इज ग्रेटर देन रो थ्री सो so, रो वन इज ग्रेटर देन रो टू इज ग्रेटर देन रो थ्री डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो इसका मतलब होगा कॉस ऑफ थीटा वन इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ थीटा टू इज ग्रेटर देन कॉस ऑफ थीटा थ्री

दूसरे साइड का एक्सट्रीम क्या है थीटा जीरो इज लेस और इक्वल टू सो so यहां से आएगा जीरो इज लेस और इक्वल टू सो so जीरो इज लेस और इक्वल टू थीटा वन इज लेस देन थीटा टू इज लेस देन थीटा थ्री इज लेस देन पाई बाई टू अब यहां पर ऑप्शंस में गड़बड़ हुआ है ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो यहां पर ये उल्टा होना चाहिए था थ्री टू वन होना चाहिए था थ्री टू वन थ्री होना चाहिए था ग्रेटर टू ग्रेटर टू जीरो इंटरचेंज करना था ओके सो नाउ दिस इज द आंसर यू नो इट यहां पर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है और ऐसा कभी कभी नीट में भी होता है तो वो क्वेश्चन फिर कैंसिल आउट हो जाते हैं सो यू नो नीट टू वरी अबाउट दीज थिंग्स

माइनस टू तो आपने अगर सॉल्व किया होगा आपको कोई ऑप्शन मैच नहीं हुआ होगा सो माइनस टू पे ऑप्शन मैच हो रहा है न्यूटन पर मीटर द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट पॉइंट जी इज नॉट जी जीरो बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर जी इज इक्वल टेन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना द वैल्यू ऑफ जी जीरो इज तो पहली बात कि वाटर के अंदर डेफ ऑफ जी नॉट एट एफ जी नॉट प्रेशर जो होगा दैट इज पी जीरो प्रेशर प्लस रो जी एच के बदले में है, Z0, Z0. अब कहा जा रहा है कि प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी जी जीरोज द प्रेशर इन साइड द बबुलट इज द प्रेशर इन साइड द बबुल इतना प्रेशर जो है वो इन साइड द बबल है इतना प्रेशर जो है वो इन साइड द बबुल है सो so अगर यह बबुल है तो अंदर वाले साइड से प्रेशर जो होगा वो P के बराबर है और बाहर वाले साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो P जीरो के बराबर है तो एक्सेस प्रेशर जो हुआ एक्सेस प्रेशर जो हुआ दैट इज P माइनस पी जीरो P माइनस पी जीरो और यहां से P माइनस पी जीरो इज रो जी 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 नॉट रो जी जी नॉट या जी जीरो अब एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ ए सोप बबुल वो हमें पता है इज फोर टी बाय R आर इन केस ऑफ ए ड्रॉप इट इज टू टी R आर लेकिन इन केस ऑफ़ ए बबुलटी डिवाइडेड बाय आर हमें जी इज नॉट निकालना है सो दिस इंप्लाइज जी नॉट इज इक्वल टू फोर टी बाय आर रो जी को नीचे लाते हैं रो जी वैल्यू सब शूट करते हैं सो so यहां पर मैं कर लेता हूं

ओके okay, वो भी ऐसे सिस्टम है सो so, ये आपने सॉल्व करना टेंट so, तो तो लिया होगा जो दिया था क्वेश्चन में तब कोई ऑप्शन जो है वो मैच नहीं हो रहा है सो मैंने क्रॉस चेक डेट तो क्वेश्चन जो है वो द पावर माइनस टू एक्चुअली था तो यहां पर वो काइंड ऑफ टाइपिंग एरर हो गया है So let's move on to the next one, number 40. Number 40. A capillary tube of radius R is immersed in water and water rises in it to a height H. Okay. Radius R, height H. The mass of the water in the capillary is 5G, 5 grams. Another capillary tube of radius 2r, so radius double gaya hai is immersed in water. The mass of the water that will rise in the tube is that rise in the tube is. चलिए पहले वाले केस में ये water है meniscus का वाला part ये height h है ये height h है okay height h और रेडियस जो है वो r के बराबर है रेडियस जो है वो r के बराबर है okay सो so, मास uh, जो वहां पर होगा वो किसके बराबर होगा मास जो इस पार्ट में होगा ये वाला पार्ट मिन वाला पार्ट जो इतना छोटा सा पार्ट है यहां से छोटा सा पार्ट है वो हम यूजुअली यूज कर लेते हैं सो मास इज इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ओके डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वॉटर सिग्मा इंटू वॉल्यूम इज ए इंटू एच विच इज पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच दिस इज मास और वो आपको दिया गया है कि फाइव के बराबर है 5 ग्राम्स के बराबर है ओके 5 ग्राम्स के बराबर है चलिए लेट्स प्रिजर्व इट लेट्स प्रिजर्व इट लेट्स सी वी विल टेक हेल्प फ्रॉम इट इन द नेक्स्ट केस अब नेक्स्ट केस में रेडियस जो है वो 2r है रेडियस जो है वो 2r है हाइट नहीं दी गई है हाइट किसके बराबर होगी वो नहीं दी गई है तो वो हम जरा देख लेते हैं हाइट इज इक्वल टू 2h uh, 2t कॉस ऑफ थीटा टू टी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर रो जी आर तो theta, <coughs> हमें नहीं पता है यहां पर तो थीटा पहले हमें ऊपर से निकालना पड़ेगा थीटा हमें ऊपर से निकालना पड़ेगा सो so, यहां पर एच के लिए सेम फॉर्मूला टू टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर चलिए रो ही लेते हैं रो यहां पर भी रो जी आर ओके सो कॉस ऑफ थीटा यहां से कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू रो जी आर अब रेडियस तो आर ही है स्मॉल आर सरफेस टेंशन टी सेम रहेगा आगे भी और नीचे भी दोनों केसेस में रो जी आर इन टू हाइट तो एच दी ही दी गई है डिवाइडेड बाय टू टी टू टी को नीचे लाते हैं ओके टू टी को नीचे लाते हैं ओके सो कॉस ऑफ थीटा अब दूसरे वाले केस में एच प्राइम लेते हैं एच प्राइम इज इक्वल टू टी वाटर ही है तो टेंशन सेम रहेगा कॉस ऑफ थीटा वाटर ही है ग्लास ही है तो थीटा भी सेम रहेगा रो जी आर के बदले में है टू आइस आर ओके आर के बदले में है टू टी डिवाइडेड बाय रो जी इंटू टू आर टू एंड टू विल बाइ वे कैंसिल आउट तो इस टू को छोड़ दें सो टी डिवाइडेड बाय रो जी आर ऑफ लेते हैं रो जी आर एच रो जी आर एच डिवाइडेड बाई टू टी डिड बाई टू टी ओके डिवाइडेड बाय टू टी सो कैंसल क्या क्या होगा रोजी रोजी कैंसल आउट आर एंड आर कैंसल आउट टी एंड टी कैंसल आउट सो दिस इंप्लाइज एच प्राइम इज इक्वल एच डिवाइडेड बाई टू

और एच जो है यहां पर अब एच बाई टू के बराबर so, so है सो दिस इज रो पाई टू स्क्वायर इज फोर आर स्क डिवाइडेड बाई टू टू इंटू टू सो दिस इज ट्वाइस रो पाई आर स्क्वायर एच ट्वाइस रो पाई आर स्क्वायर एच रो पाई आर स्क्वायर एच वो एम के बराबर है ओरिजिनली जो था मास फाइव जी तो फिलहाल मैं एम लिखता हूं तो रो पायर स्क्वायर एज जो है एम के बराबर uh, है वो दिया गया है फाइव जी 10 ग्राम्स होगा एम प्राइम इज इक्वल टू टेन ग्राम्स ओके टेन ग्राम्स ऑप्शन फोर ओके ऑप्शन फोर लेट्स मूव ऑन

के सो यहां पर मैं उसकी करेक्शन कर लूंगा कॉन्सेप्ट सेम है एक्सैक्टली exactly सेम है बस एक जगह मैंने मिस कुछ किया है वो अब यहां पर देख लीजिएगा तो so, फिर से रिपीट कर लेते हैं ये लिक्विड यहां पर आके यहां पर आके लेट सपोज यहां पर आके टर्म ऑफ लॉसिटी बन गई द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट वेन्स फिर अटेन इट्स टर्म सो टर्म ऑफ लॉसिटी के बाद टर्म ऑफ लॉसिटी के बाद सपोज यहां पर आके टर्म ऑफ लॉसिटी अटेन हो गई अब आगे जो है वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है वेलोसिटी वेलोसिटी कांस्टेंट कांस्टेंट रह रह रही है। रह रही है है दैट मींस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह रही है तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है लेकिन जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और वही जाके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी ओके वही जाके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी एट सम टाइम टी इफ इट फॉल्स थ्रू ए हाइट ऑफ एच ओके ऑबियसली एच इंक्रीज होगा विद टाइम एच इंक्रीज होगा विद टाइम तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा विल एम जी एच माइनस मैं मॉडुलस लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज होगी एम जी एच के बराबर वेर एच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन टाइम टी इन टाइम टी सो पावर अच्छा ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी

ट प्रोड्यूसर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन हीट प्रोड्यूसर डिवाइडेड बाय टी जो है एच डिवाइडेड बाय टी डिड बाय टाइम टेकन दट ओके अब हमें लाना इन टर्म्स ऑफ रेडियस इन टर्म्स ऑफ रेडियस सो ध्यान रखना यहां पर यहां पर मैंने एक चीज को मिस किया था सनॉप्सिस वाले सेशन में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वहां पर भी था मास जो है दैट इज डेंसिटी इन वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब जी साथ में मैंने VT को कहा था कि कॉन्स्टंट है इसलिए मैंने इसे ऐसे ही रखा यस yes, VT इज कॉन्स्टंट बट दैट कॉन्स्टंट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ओके दैट कॉन्स्टंट डिपेंड्स ऑन द रेडियस वो पार्ट मैंने मिस किया था ओके okay, वो पार्ट मैंने मिस किया था और VT के लिए टू आर स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है रो माइनस सिग्मा इनटू g डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा इनटू g डिवाइडेड बाय 98 98 okay so everything is constant rho is constant 4 by 3 is constant pi is constant g is constant 2 is constant 9 is constant eta is constant rho sigma g all are constants पावर टू सो आर टू दावर फाइव बन जाएगा दैट मीन रेट एट विच directly प्रोपोर्शनल टू आर टू the फाइव वी टी तो कॉन्स्टेंट है लेकिन वो कॉन्स्टेंट आर पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन ऑफ रेडियस तो ये लिखना जरूरी है ये लिखना जरूरी। बाकी हर कोई चीज जो है वो एम बी रेडियस पे डिपेंड करता है तो उसे भी हमने पुट कियाट है

42. the flow okay this is again the same synopsis wale jo tha, sirf numbers ko change gaya hai. Uh, the flow uh, the flow speed on the upper and lower surfaces of the wings of aeroplane are 70 and 66 kilometer meter per second respectively what is the lift on the wing in uh, if its area is 5 meters square density of air is 1.3 kg per cubic पर क्यूबिक मीटर ओके स्पीड डिफरेंट है तो प्रेशर डिफरेंट होगा ओके स्पीड डिफरेंट है तो प्रेशर डिफरेंट होगा अपर साइड को वन कहा गया लोअर साइड को टू कहा गया है अपर साइड से स्पीड ज्यादा है तो वी वन ज्यादा है वी टू कम है तो लोअर साइड से प्रेशर ज्यादा होगा लोअर साइड से स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा जिसके वजह से नेट प्रेशर अपवर्ड बन जाएगा और उसके वजह से लिफ्ट आ जाएगा सो आल राइट बर्नॉल थे पी टू प्लस हाफ ऑफ रो जी हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर हाफ ऑफ रो कमान हाफ ऑफ रो वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन प्लस हाफ ऑफ रो वी वन स्क्वायर अब यहां पर जब एयर ब्लो कर लेगा तो हाइट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा हाइट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा इसलिए हाइट वाली टर्म जो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म जो है उसे हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वो अलग से ही कॉन्स्टेंट रहेगा ओके okay? अलग से ही कॉन्स्टेंट रहेगा सो so, ये हमारे पास है सो पी टू माइनस पी वन पी वन को वहां ले जाएंगे इज इक्वल वन बाई टू रो वी वन स्क्वेर वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर इसको यहां लाया नेगेटिव बन गया वन बाई टू रो जो है वो कॉन्स्टेंट दिस इंप्लाइज डेल्टा पी डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो है वन बाई टू रो वन बाई टू रो जो है वो वन पॉइंट थ्री है पहले एस आई सिस्टम में है इंटू वी वन माइनस वी टू सेवेंटी स्क्वायर सेवेंटी स्क्वायर माइनस सिक्सटी सिक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी सिक्स स्क्वायर अब यहां पर ये नोट कर लें ये इंपॉर्टेंट बात है मैंने वैसे कहीं भी फिर से रिपीट करते हैं लोअर साइड से स्पीड जो है स्पीड जो है वो कम है तो यहां से प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा यहां से प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा पी टू अपर साइड से स्पीड ज्यादा है तो वहां से प्रेशर जो होगा वो कम होगा यहां से प्रेशर जो होगा वो कम होगा तो पी वन यहां से, जो तो वन यहां से प्रेशर जो होगा वो कम है

सेवेंटी स्क्वायर माइनस सिक्सटी सिक्स स्क्वायर इंटू फाइव एरिया एस एस सिस्टम में मीटर पर सेकेंड के जी हाँ सब कुछ एस एस सिस्टम है सो यू जस्ट हैव टू वर्क आउट दिस थिंग सो लिफ्टिंग फोर्स जो है ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है सेवनटीन सिक्सटी एट आ रहा है सेवनटीन सिक्सटी एट न्यूटन ओके सेवनटीन सिक्सटी नहीं सेवनटीन सिक्सटी एट ऑप्शन थ्री है ये वाला ऑप्शन ऑप्शन थ्री 1768, ओके 1760, ये एट हो गई है दिस इज ऑप्शन थ्री 1768 सिक्सटी न्यूटन ओके सिंपल बर्नॉलीज की काफी फेमस एप्लीकेशन एप्लीकेशन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन ओके आई एम टायर्ड ए वन ओके यहां का एरिया ए वन दिया हुआ है यहां का एरिया ए टू दिया हुआ है फाइंड वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ है वो आपने बताना है वो भी लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम एज लिक्विड फ्लोज फ्रॉम वन टू टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज फोर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज फोर इट हेज नथिंग टू डू विद ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज रो दैट मीनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वॉटर इज फोर दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू वॉटर सो मीनस

च इज माइनस ऑफ यू फाइनल बाई वॉल्यूम माइनस यू इनिशियल बाय वॉल्यूम अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बर्नवाली स्थेरम से आपको पता होना चाहिए दैट इज रो जी एच ओके रोजी एच सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जो है माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच ओके रो लिक्विड जो रो लिक्विड है इंटू जी इंटू एच एच फाइनल जो है दैट इज सेवन मीटर्स दैट इज सेवन मीटर तो सीधे मैं वैल्यू लिखूंगा माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वाले अगर रो जी एच रो तो रो ही रहेगा रो रो लिक्विड जी तो जी ही रहेगा एच जो है वो फोर मीटर्स के बराबर दिया हुआ है सो इंटू फोर में लिख रहा हूं इंटू फोर सो रो एल और जी को कॉमन निकाल दें माइनस रो एल के बदले में वुल राइट फोर इंटू रो डब्ल्यू So four into 10 to the power three rho w density of water. then g bah here toskeva limit 10 7 minus four seven minus four. So this is minus four into ten to the power four. seven minus four is three. 4 into three is twelve minus twelve into ten to the power 4 minus twelve into ten to the power 4, which is minus hundred and twenty x zero yaha, 10 to the power three is kilojoules. So minus one hundred and twenty kilojoules, obviously per cubic meter. Hai, per cubic meter. Remember, wo work done per unit volume. Hai, okay, work done per unit volume. So kilojoules per cubic meter. Minus one hundred and twenty kilojoules per cubic meter. Option four. Okay. Let's move on to the next one. Forty-four. A plate of area five hundred square centimeter is lying on a layer of oil. Lying on a layer of oil of thickness three millimeters. Important. Calculate the horizontal force required to move the plate with a constant velocity five centimeter per second. Coefficient of viscosity is okay. Coefficient of viscosity is. So we have a surface, obviously at rest. Oil is ke hain. Let me use a different color for that. Oil is ke hain. First layer, second layer, third layer, and so on. इसके टॉप पे इसके टॉप पे वी हैव हाँ ए प्लेट सम प्लेट ये प्लेट है ओके इसके टॉप पे लेयर भी दिखाते हैं लिक्विड लेयर ओके एक साइड से नोट करें एक साइड से नोट करें लिक्विड की लिक्विड uh, लेयर जो है वो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है तो वहां पर वेलोसिटी जीरो होगी। दूसरे साइड से नोट करें लिक्विड की लेयर जो है वो इस प्लेट uh, के साथ कॉन्टैक्ट में है तो वेलोसिटी जो प्लेट की होगी वही उस लिक्विड की भी होगी तो लिक्विड में जब आप जाएंगे फ्रॉम बॉटम टू द टॉप वेलोसिटी जो है दैट चेंजेस फ्रॉम जीरो डिस्टेंस ऑफ थ्री मिलीमीटर्स इन ए डिस्टेंस ऑफ थ्री मिलीमीटर्स तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई वर्टिकल डायरेक्शन में इसलिए वाई इज इक्वल टू वी माइनस जीरो वी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई थ्री मिलीमीटर्स सो थ्री टू द पावर माइनस थ्री सो वी डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री और v आपको दिया गया है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर सेंटीमीटर प्लेट जिस वेलोसिटी से जाएगा उसके साथ जो अटैच्ड लेयर होगी वो भी उसी वेलोसिटी के साथ जाएगी सो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो v के बदले में ऑल राइट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस हमारे ऐसा uh, सिस्टम है सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा नीचे डेल्टा वाई uh, जो है मिलीमीटर्स में था वो भी हमने कन्वर्ट कर दिया सो दिस इज ऑल इन एसआई सिस्टम ओके दिस इज ऑल इन एसआई सिस्टम अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें फोर्स कितना चाहिए ओके okay? हमें फोर्स कितना चाहिए यहां पर इस प्लेट पर आप कुछ फोर्स लगा रहे हैं एफ एप्लाइड नीचे लिक्विड के वजह से इस पे कुछ विस्कस फोर्स आएगा अगर आप इसको कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कराना चाहते हैं तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो दैट वुड मीन पता होना चाहिए माइनस एटा ए डी वी बाई डी वाई यहां पर डी वाई माइनस साइन विद डायरेक्शन इसलिए मैं माइनस साइन को इरेज कर लूंगा क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए ओके okay? हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए या फिर डी वी बाई डी वी बाई डी वाई के बदले में आई कैन राइट डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई एवरेज के लिए तो अप्लाइड फोर्स जो है वो इसके बराबर आ रहा है एटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई एटा जो है वो दिया हुआ एसआई सिस्टम है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एसआई सिस्टम है तो वन पॉइंट नाइन

तो ये बस आपको वर्कआउट करना है दिस ऑल uh, मैंने किया हुआ है आल डायरेक्टली राइट डाउन द रिजल्टन पॉइंट फाइव एट न्यूटन्स आ रहा है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन मच अवेटेड वन एटलीस्ट फॉर मी बिकॉज आई एम डेड टायर्ड फाइन द मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ ए ग्रीज नीडल फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर लेंथ ऑफ द नीडल इज एल एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज टी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है वो सिनप्सिस में था सपोज दिस इज ए नीडल हेयर नीडल ऐसे है इज लाइक दिस ओके सो लेंथ इसके ऐसे है लेंथ इसके ऐसे हैं ये लेंथ इसकी है अब इसको वाटर में रखा हुआ है सपोज ये यहां तक इसके अंदर गया है ये ऐसे सरफेस टेंशन के वजह से जो फोर्स आएगा यहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में टी इंटू एल टी इंटू एल सरफेस टेंशन इंटू लेंथ ओके टी इंटू एल यहां से भी है लेकिन कॉन्टैक्ट तो यहां से भी टी इंटू एल टी इंट सिमेट्रिक सिचुएशन है तो यहां से वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है तो यहां से भी वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है और वी हैव डाउनवर्ड फोर्स एज एम जी एम जी ओके अब इनका वर्टिकल कंपोनेंट ले लें इसका टीएल कॉस थीटा इसका भी टीएल कॉस थीटा तो वो बन जाएगा टू टीएल कॉस थीटा यहां से टी यहां से भी टी तो वो तो बैलेंस ही कर लेंगे तो टू टी एल जी मस्ट बीवल एम जी बैलेंस करने के लिए अगर ये फ्लोट कर रहा है तो एम जी इज इक्वल टू टी एल cos ऑफ थीटा टू टी एल कॉस्ट ऑफ थीटा ओके नाउ अब क्या है आपको मैक्सिमम पॉसिबल मास निकालना है दैट मीन मास चेंज कर रहे हैं और क्या चेंज हो रहा है सरफेस टेंशन तो चेंज नहीं होगा लिक्विड चेंज नहीं हो रहा है लेंथ जो है रॉड की वो तो आप सेम ले रहे हैं लेंग जो है, वो ही है लेंथ तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं थीटा चेंज हो जाए जितना ये मैस्यू होगा उतना ये ज्यादा डिप कर लेगा ज्यादा नीचे जाएगा जितना ये ज्यादा नीचे जाएगा थीटा जो है उस हिसाब से चेंज होगा ओके थीटा उसी हिसाब से चेंज होगा सो so, मास जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ थीटा ओके मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ थीटा सो मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए कॉस ऑफ थीटा मस्ट बी वन मैक्सिमम ये भी मैक्सिमम होना चाहिए ये मैक्सिमम होने के लिए ओके okay, ये मैक्सिमम होने के लिए सो फॉर मैक्सिमम मास मैक्सिमम एम कॉस ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू वन कॉस ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू वन इसे इक्वेशन वन कहें सो इक्वेशन वन इंप्लाइज क्वेशन वन इम्प्लाइज एम मैक्स एम मैक्स इज इक्वल जी को नीचे लेते हैं टू टी एल टू टी एल डिवाइडेड बाई जी कॉस ऑफ थीटा तो वन के बराबर होना चाहिए मैक्सिमम के लिए सो मैक्सिम मास इज टू टी एल डिवाइडेड बाई जी टू टी एल डिवाइडेड बाई जी ऑप्शन वन ओके ऑप्शन वन सो दिस इज इट आई होप आप लोगों ने अच्छा किया होगा ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स तेल डू फॉर दिस सेशन السلام عليكم